अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप, ठीक ठाक है? अगर मैं आज आपको ये बताऊं कि आज हमारे पास एक छोटी सी वर्कशॉप है, अब अगर आप कोई भी चीज़ सीख रहे होते हैं नई, तो उसके लिए आप छोटी मोटी ट्रेनिंग लेते हैं। किसी नौकरी का पहला दिन होता है, आपको आपके बॉस कहते हैं ये शख्स तुम्हें जो है वो इस जगह के बारे में बताएगा, तुम्हारी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको तुम्हें गाइडलाइंस देगा, क्योंकि ये जगह तुम्हारे लिए नई है। फिर अगर आप अल्लाह ना करे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो मरीज़ को और मरीज़ के को संभालने वालों को ये पूरी गाइडलाइंस दी जाती हैं कि आपको ये कराना है, आपको ये कराना है, आपको इस तरह लेके चलना है, ये दवाइयाँ देनी है, वहाँ पे भी गाइडलाइंस होती हैं। घर में जब आप मेड हायर करते हैं, उसको तक आप बताते हैं कि अच्छा हमारे यहाँ इस तरह होता है, हमारे यहाँ ये खाना पकता है, हमारे यहाँ ऐसे सफाई होती है, हमारे यहाँ इस टाइम उठा जाता है। गर्ज ये कि जो भी नया काम होता है उसकी आपको सूझबूझ कोई सीनियर या कोई और ऐसे लोग जो उसमें एक्सपर्ट होते हैं वो देते हैं। सिर्फ एक काम ऐसा है जो बहुत होता है हमारे मुल्क में, लेकिन उसकी कोई नो हाउ नहीं होती, यानी कि शादियाँ हमारे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में होती है, उसी वजह से दुनिया चल रही है, पॉपुलेशन आगे बढ़ रही है। तो जो शादियाँ हमारे यहाँ हैं, हमारे यहाँ या किसी भी मुल्क में फेस्टिविटी होती है, खुशी होती है, एक खुशियाँ मनाने का समा होता है। अब उस शादी को अटेंड करने के लिए जो मेहमान है वो अलग अलग सोच रखते हैं, अरे शादी में जाना है, खाना इतना मज़े का होता है, शादी में जाएंगे बड़ा मज़ा आएगा, शादी में जाना है, तैयार होने का मुझे बड़ा शौक है, ओहो वो उस शादी में जाऊँगी, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े बनाऊँगी इसलिए जाऊँगी। मतलब अलग अलग लोगों की इंटेंशन होती है। फिर कुछ लोगों को रख रखाव रखना होता है, इसलिए उन्होंने शादी अटेंड करनी होती है, वो हमारी बेटी की शादी में आए थे, हमें भी जाना है उनके बेटे की शादी में। और तो और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स जो शादियों पर रह जाते हैं, शादियां उनकी वजह से भी याद रखी जाती हैं। आपको पता है उनकी शादी पर खाना कम पड़ गया था, उस कपल के बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, लेकिन ये बात ख़ानदान के जहन से नहीं निकली कि उनकी शादी में खाना कम पड़ गया था, उनकी शादी में नंद नाराज़ होकर चली गई थी, उनकी शादी में बैठने की जगह नहीं थी, उनकी शादी में उन्होंने किसी को घास नहीं डाली, उनकी शादी में दुल्हन ने रो रो के अपना मेकअप ख़राब कर लिया था। मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें, किसी की शादी में भी कोई मिसहैप हो जाता है, किसी की शादी बहुत अच्छे से यादगार रहती है, बड़ी अच्छा इंतज़ाम होता है, खाना अच्छा होता है, सो उन शादियों को अलग अलग तरीक़ों से याद रखा जाता है। बच्चे अगर आपका एक है या दो या तीन है, सो जाहिर है आपका एक्सपीरियंस पहला होता है। जब पूरी दुनिया में हर चीज़ की वर्कशॉप है, हर चीज़ की ट्रेनिंग है, मुझे लगता है कि इस चीज़ की भी होनी चाहिए। इतना बड़ा इवेंट, आपके लगते जिगर की शादी, आपकी घर की शादी, और आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इधर देखा उधर देखा, सिर्फ अटेंड किए हैं शादियाँ, होल सोल जो आपके घर में इवेंट है, जिसमें आपके घर मेहमान भी आके ठहरे हैं, आपके किचन में एक बर्डन भी है, नई चीज़ आपके साथ हो रही है, और उस पर गलतियों की गुंजाइश नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सो अगर गलतियों की गुंजाइश आपने नहीं रखनी है, तो आज का शो देखें, क्योंकि वो लोग जिनकी शादी में मुख्तलिफ औकात, मुख्तलिफ चीज़ें सरजद हुई, वो उन एक्सपीरियंसेस से गुजरे और उनको पता नहीं था कि उसे टैकल कैसे करें, आज हम उनकी उस एक्सपीरियंस की मदद से आपको ये वर्कशॉप देने वाले हैं, जिसे शायद लर्न करके अगर आप अपने घर की नहीं तो अपने किसी बहन भाई के घर की, अपने पड़ोसी, अपने दोस्त के घर की शादियों में वो शख्सियत बन सकते हैं जो मददगार साबित हो उसके लिए, और आपको दुआएं दे कि ये मेरा सच्चा दोस्त है। आज हमारे पास कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने अपने बच्चों की शादियां की हैं, वो एक्सपीरियंस्ड हैं, वो एक वक्त में चार चार काम एक साथ निपटा सकते हैं, हर कोई ऐसा नहीं होता। कुछ लोग इतने अच्छे प्लानर होते हैं, जो इतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं कि उन्होंने काम बांट दिए होते हैं, और उनको काम संभालने का एक तरीका भी होता है कि उसको संभालना कैसे है। कुछ एक्सपर्ट्स होंगे यहाँ, कुछ सेलिब्रिटीज़ होंगे, और कुछ ऐसे लोग जो डसे हुए हैं वो आके अपनी एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करेंगे, ताकि उनके बताए हुए एक्सपीरियंसेस से आप समझ सकें। सो आइए वेलकम करते हैं, इस वक्त मेरे पास गजाला जावेद मौजूद है माशाल्लाह, जिन्होंने अपने बच्चों की शादियाँ की अकेले तन तना,
और बड़ा अच्छा निभाया क्योंकि हमने वो अटेंड भी की है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक ठाक है, जबरदस्त, कैसी हैं? क्या बात है, बहुत शुक्रिया। और एक और ऐसी सास कह ले, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कह लें, जो ड्रामों में तो सास बनती है, ड्रामों में तो बड़ी बनती है, लेकिन एक्चुअल भी वो अपने खानदान में बड़ी है, चाहे अपने बच्चों की शादी हो चाहे खानदान वालों की शादी हो, पेश पेश रहती है, आगे आगे रहती है। और मैंने उनको इंतजाम करते हुए देखा है काम करने के साथ। सो सुपर वुमन सबा फैसल हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? बड़ी स्मार्ट हो गई है फल्ला, बहू आने के बाद सास इतनी स्मार्ट होती है, मतलब जल्दी से अपने बच्चों की शादी दे दी। बिल्कुल बिल्कुल, कैसी है? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारकबाद शादी, बहुत शुक्रिया। शरीक हुए थे, बहुत मजे का खाना था, बहुत अच्छा इंतजाम था, लेकिन मुबारकबाद अब देना। थैंक यू सो मच। मुबारक तो चलती रहेगी ना, है ना? मुबारक चलती। अच्छा, जब खुशियाँ इतनी दिल से होना तो थकन नहीं होती, कोई थकन नहीं नजर आ रहा था उससे, अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय कर रहे थे। और आप इतनी, मैं आपको ये क्रेडिट देना चाहूंगी कि आपने अपने फैंस के साथ अपने प्यारे मोमेंट्स शेयर किए सब, और मैं कहना चाहूंगी फैंस सब माशाल्लाह माशाल्लाह करें, नजर उतारे, सब दुआएं दें। So, ये आपका शुक्र, मैंने, मुझे फैंस ने बोला था कि सबा आपा का शुक्रिया करना कि उन्होंने इतने प्यारे प्यारे फैमिली मोमेंट्स हमसे शेयर किए, इसका मतलब वो हमें अपनी फैमिली का हिस्सा समझते हैं। फैमिली है, एक मेरी अपनी अपना खानदान है, एक मेरी ये फैमिली है, और एक देखने वाले सराहने वाले इनकी वजह से मोहब्बत करने वाले, और उनकी वजह से हम हैं। स्पेशली ये कहती हूँ कि वो जो देखने वाले हैं ना, जितनी दुआएं वो देते हैं ना, इतनी कोई भी नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनकी ऐसी दुआएं निकलती हैं सच्ची वाली, दिल से, क्योंकि वो दिल से मोहब्बत करते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर ना लगे आपकी बहू इतनी प्यारी है, माशाल्लाह, उसको हंसते हुए देख के हमें खुशी, वो हंसती है तो उसकी एक सादगी, एक सिंपलिसिटी, उसकी खूबसूरती नजर आती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और कितना सबने अप्रिशिएट किया कि देखिए दुपट्टे को और उस पे सूट कर रहा है, वो इतनी प्यारी पाकीज़ा लड़की, माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है, माशाल्लाह। बस ऐसा ही रखे, मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ना उसकी अम्मी का, उसके अब्बू का इतना शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने मेरे हिस्से की इतनी प्यारी बच्ची रेज की, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह मियां हमेशा खुश आबाद रखे। बहुत सारी इतनी आप लोग एंटरटेन तो करते हैं, मदद तो करते हैं लोगों की, आज प्रॉपर मदद ये चाहिए, क्योंकि जाहिर है जब घर में जिसके ऊपर बीतती है ना उसको पता होता है, मेहमानदारी, शादी की अरेंजमेंट्स, भागम दौड़ी, फिर काम, अल्लाह माफी, इन सब चीजों के बीच में आप लोग माशाल्लाह इतने एक्सपीरियंसेस हो गए, तीन बच्चों की शादी करना, फिर कजन्स, फिर जो और खानदान वाले हैं उनके बच्चों की शादी में शामिल होना, सो आप दोनों एक्सपीरियंस्ड हैं। सो हम चाहते हैं कि ये एक छोटी सी वर्कशॉप हम अपने फैंस को गिफ्ट करें, बहुत जरूरी है कि ताकि अगर उनके घर में कोई ऐसी चीज है तो उसको कैसे उन्होंने बचाना। बिल्कुल, अगर मेरी अम्मी जिंदा होती ना, मैं उनको भी जरूर बुलाती, हाँ, क्योंकि वो भी हर फन मौला और बेटियों की शादियां करना, बिल्कुल बड़ी। प्लीज आइए तशरीफ। थैंक यू, थैंक यू। मैं वहां बैठूं? जहां मर्जी आप दोनों की बैठे, जहां मर्जी, जो एंगल अच्छा है। गजाला आपको तो नहीं इधर बैठना? नहीं नहीं नहीं, कहीं भी बैठ सकते हैं। और बताएं भाई, थकन उतरी? सच्ची बताऊं निदा, कोई थकट हुई नहीं मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बस काम, शादी की और उसके बाद दावतें, माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसमें भी मैंने ये नहीं कहा कि भाई अभी थकन है, अभी दावतों में ब्रेक आए बाद में, बार बार थोड़ी आती है चीजें। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वैसे मैंने देखा कि अक्सर लोग ना, मैं भी कभी ऐसी किसी को कहूँ ना तो वो कहते यार अभी बहुत थके हुए, कुछ अरसा ठहर जाओ, लेकिन जब वो कुछ अरसा गुजर जाता है ना, फिर उसका वो मजा नहीं आता। मैं आपको बताऊँ, मैं आपको बताऊँ, जब मेरी शादी हुई थी, मेरे मियाँ ने मुझसे कहा नेता नेता हम दावतों में नहीं जाएंगे, हम मोटे हो जाएंगे, उसको शुरू से ही डर था। फायदा क्या हुआ, मोटा तो वो वैसे भी हुआ, मेरी दावत ही मर गया। मेरी शादी की दावत है, मैं आज तक रिग्रेट करती हूँ कि वो जो वेलवेट के कपड़े जो थैले में पड़े थे वो वैसे ही रह गए, और फिर मैं फरीद से एक्सपेक्ट कर रही थी, तो मैं लाइक मेरा बेबी होने वाला, मैं वो पहन नहीं सकी, मैं तो रिग्रेट करती हूँ। और निदा, मैं इस मर्तबा मैंने ना अपनी बहू के बहुत कम से जोड़े बनाए थे। अच्छा। मैंने कहा अब तो कपड़े इतने डिजाइनर्स के आते रहते हैं, बनते रहते हैं, तो ये वो पहले जो एक रिवाज होता था ना, पहले मैंने माशाल्लाह नेहा के तो कुछ 40 जोड़े बनाए, काम वाले बनाए, उसने तो शायद पूरे पहने भी नहीं। तो इस मर्तबा मैंने सोचा कि बहुत कम बनाऊंगी, साथ साथ बनते रहेंगे, तो जो मैंने बनाए ना, माशाल्लाह माशाल्लाह उसने सारे पहन लिए। कितना अच्छा लग रहा है। मेरे सामने पहने और वो पूछती थी
मम्मी क्या पहनूं, मैं कहती थी बेटा कोई भी पहन लो, अपनी अम्मी की तरफ से पहन लो माशाल्लाह। तो कहती थी नहीं मम्मी अभी आप हैं इधर तो अभी जो आपने पसंद से बनाए मैं वो पहनूंगी, और माशाल्लाह उसने सारे पहने और मैं नजर भर भर के देखे माशाल्लाह। मैं कह रही हूँ ये छोटी छोटी टिप्स हैं लड़कियों के लिए, पूरी जिंदगी पड़ी अपनी मर्जी की। और आप ये देखें ना कि सिर्फ उस बात से हाँ। उनको कितनी एनर्जी मिल रही है और कितनी खुशी एक अच्छा हाँ। महसूस हो रहा है, क्योंकि जब आप इतने चाव से मेहनत से मोहब्बत से चीज़ें बनाते हैं ना तो सामने वाला उसे उसी मोहब्बत और चाहत से जब पहनता है ना तो लगता है कि आपकी कोई थकन नहीं है और कोई मेहनत नहीं है, सब वसूल। अच्छा ये छोटी छोटी चीज़ों से ना इंसान को केयर भी नज़र आती है कि दूसरा, क्योंकि जब जाहिर है एकदम आया तो आपको उस बच्ची का अंदाज़ा नहीं किया वो किस तबीयत की है किस नेचर की है, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ना इससे आपको पता चलता है कि मेरी बहू मुझसे कितना प्यार करती है कितनी केयर करती है। तो ये हर बच्ची को ये चीज़ सीखनी चाहिए कि ये इतनी छोटी बातें हैं, देखने में बहुत छोटी सी बात है कि कोई भी कपड़े पहन के आ जाए, लेकिन अगर कोई पूछ के पहने और अपनी मतलब सास की, तो इतनी सी चीज़ से सास का दिल इतना बड़ा हो जाता है और वो इतनी खुश हो जाती है। ये भी तो कुछ दिनों में सास बनेंगी ना, तो अच्छा अभी बनने वाली है, अभी से बता रही है बहू ऐसे करना बहू। इसको ये भी नहीं था कि मैंने कहा हो कि ये पहना, उसने खुद से ये सब किया ना, तो बस फिर वो मतलब जो एहसास वाली बच्चियां होती है ना वो उनकी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग है। उसकी तो अम्मी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी खातून है और मैं तो उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे घर में बरकत। आपने ढूंढी कहाँ अपनी बहू माशाल्लाह? मज़े की बात यह है, शायद लोगों को तो नहीं पता लेकिन मैं बताती हूँ कि वो मैंने पसंद की, हमारी बिल्डिंग में ही रहती थी। अच्छा, यहाँ कराची में? कराची में, मैं चार पाँच साल से मैं उसी बिल्डिंग में रह रही थी लेकिन मैंने कभी उसको आते जाते देखा नहीं था। अच्छा। उसकी अम्मी से मेरा बहुत अच्छा सा वास्ता पड़ता रहा और कभी वो कोई थैलियाँ लेकर आ रही होती थी शॉपिंग करके तो सलमान अरसलान होते थे मेरे पास मौजूद, तो वो उनकी वैसे ही आदत है वो पकड़ लेते थे हाथ से। अच्छा अच्छा, कि नहीं नहीं आंटी मुझे बताएं कौन सा फ्लैट है आपका, तो इस तरह से। ओ, तो अच्छा। वो ना हमेशा देखती थी और मुझसे तो उनकी बातचीत थी तो मुझे हमेशा कहती थी कि सबा मेरी बेटी के लिए कोई रिश्ता हो तो बताना। तो एक दिन मैंने कह दिया, मैंने कहा मेरे पास ये दो बेटे हैं, एक की शादी हो गई हुई है और एक है, कहती यही तो चाहिए मुझे। माशाल्लाह ऐसे काम जोड़े आसमानों पे बनते हैं। आसमानों पे आप लाहौर में रहती हैं, यहाँ शिफ्ट हुई हैं, यहाँ काम कर रही हैं और वही आपको पड़ोसन मिल गई आपकी। वो बस मैंने कहा मैंने तो इनकी बेटी नहीं देखी हुई, तो एक दिन मैंने बगैर देखे आपने कह दिया? नहीं नहीं, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे मेरे पास चाहिए, मेरे पास तो दो है, मैं मतलब लाइक होता है ना दो है, एक की शादी होगी एक ये, मैं तो ऐसे मजाक में कहा। तो फिर मैंने आते जाते चाबी थी वहाँ मैं गई तो उसने दरवाज़ा खोला निशा ने, तो मैंने कहा बेटा आप फुफ्फो के आए हुए हो मामू के आए हुए हो कहाँ आए हुए हो? कहती है नहीं आंटी ये तो मेरा घर है, मैं निशा हूँ इनकी बेटी। और उसने हाथ में तफसीर की किताब पकड़ी हुई थी और दुपट्टा उसने वो लिया हुआ था, तो मुझे बड़ी इतनी प्यारी लगी पहली नज़र में, बस वो मुझे लगा कि यही टुकड़ा जो है ना मेरे घर का चांद बनेगा। तो मैंने बेटे से आकर कहा, मैंने कहा अरसलान वो बहुत प्यारी है, और ये लाहौर जा रहा था, कहने लगा कि अच्छा माँ आपको तो हर लड़की अच्छी लगती है। उसने कहा आप कभी किसी की बदतारीफ ही नहीं करती, आपको सब लड़कियाँ अच्छी लगती हैं, तो ये भी लगी होगी आपको, तो वो लाहौर। मैंने कहा एक दफ़ा देख लो, कहता नहीं नहीं आप देख लें आपको अगर तसल्ली हो तो लाहौर चला गया। उसके बाद तो मैं तो उसके पीछे पड़ गई, मैंने कहा चलो तुम बात कर लो, कहने लगा अच्छा चलें ठीक है। तो नंबर एक्सचेंज हुए, तो इनकी बातचीत होती रही, तो मैं पूछती नहीं थी इनसे बिल्कुल भी ना अरसलान से। फिर कोई 6 महीने गुजरे तो मैंने कहा बेटा देखो ऐसा ना हो कि अभी तक आप बात कर रहे हो फिर आप मुझे कहो कि अम्मा नहीं, तो मैंने कहा ये बड़े गलत बात हो जाएगी। उसने कहा नहीं नहीं अम्मा मैं बताता हूँ। तो कोई मैं कल में 10 महीने गुजरे तो उसने फिर मुझे कहा कि अम्मा मेरी तरफ से ओके है। तो यकीन जाने मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था, सिर्फ बात की थी, जबरदस्त सिर्फ बात की थी। और फिर निशा के भाई की शादी थी लाहौर में, तो मैं तो कहूँ कि इसी तरह मंगनी क्या निकाह ही हो जाए, तो मैंने कहा हम मंगनी कर लेते हैं। तो मैं आपको पता है ना फंक्शन करने में ना बहुत पेश होती हूँ,
तो उसकी अम्मी ने कहा जी जैसे आपकी मर्जी। हाँ। तो वो लोग लाहौर आए हुए थे तो हमने इंगेजमेंट की और इंगेजमेंट पर पहली दफा दोनों ने एक दूसरे को देखा। अल्लाह, ये तो फिल्मों में और किताबों में ऐसे आजकल नहीं होता। हाँ। लेकिन वैसे मजा बहुत, ऐसी शादी का मजा बहुत आता है। तो वो पता लड़का लड़की को भी एक दूसरे के बारे में ना एक मिस्ट्री होते हैं ना, दो अनजान लोग उनको जानने का मौका मिलता है, फिर वो क्रिएशन बड़ा मजा आता है बड़ा। तो वो उसने देखा दोनों ने एक दूसरे को, और वो जो फिर वो जो मंगनी भी वायरल हो गई, सबको लगा निकाह हो गया, लेकिन हाँ। वो मंगनी थी। फिर उससे 11 माह बाद खैर से मैंने फिर माशाल्लाह शादी कर दी। उस दौरान भी वो नहीं मिले। अच्छा, वो नहीं मिले उस दौरान भी, मंगनी से शादी के दौरान भी। वो कराची थी, माशाल्लाह डॉक्टर है। अच्छा जी जी, MBBS डॉक्टर है। उसने अपनी हाउस जॉब भी कर ली हुई है और उसने प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर ली थी। फिर चले, अच्छा फैमिली में एक डॉक्टर आ गई, डॉक्टर आ गई। अब तो हमारे घर में एक डॉक्टर है, कुछ भी हो। किस चीज में स्पेशलाइज किया? अब वो गायनी में करना चाहती है, पहले बच्चों के उसमें कर रही थी। तो मैंने ही बल्कि हल्का सा उससे कहा, मैंने कहा पाकिस्तान में तो गायनी के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। हाँ। और गायनी के डॉक्टर को फुर्सत नहीं है। हाँ। तो आप यकीन जाने बाद में मुझे पता चला कि उसने ना उसी का पेपर दिया। बड़ी बात, ये छोटी छोटी चीजें जो है ना वो और आपका दिल में घर करती गई उसके लिए। और नेता वो मैं उससे इधर तो मैं मिलती रहती थी, मैं अकेली होती थी, हम दोनों आउटिंग पर भी चले जाते थे, फिर वो घर भी आती थी। तो उसकी जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो ये कि अगर मैं एक सरसरी सी बात कर रही हूँ ना, तो नेक्स्ट टाइम उसने अप्लाई की होती थी खुद पर वो बात, और मैं भी फील करती थी लेकिन कहती नहीं थी। हाँ। और वो तो बिल्कुल भी ऐसी, वो कहती अब मैं इतनी एक्सप्रेसिव नहीं थी, लेकिन मम्मी आपकी फैमिली को देखने के बाद मैं भी बहुत एक्सप्रेसिव हो गई। हाँ। क्योंकि वो देखती है मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा लविंग हैं और हम एक दूसरे से प्यार का इजहार बहुत करते हैं। हाँ। तो वो भी माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल वैसी ही है, आपके रंगे आपके खानदान के रंग में। बल्कि मेरे लिए शादी के बाद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मुझे ये मिला है, जब अभी मैंने अपनी कोई पिक्चर लगाई, कोई रिकॉर्डिंग की थी, तो उस सब ने जो एक कमेंट किया हुआ था वो ये किया था, आपकी शक्ल आपकी बहू से मिलने लगी है। यार कसम से ये यकीन मानेंगी आप, ऐसा लग रहा था कि वो खानदान की कोई लड़की है। हाँ जी, और मेरी एक भाई की बेटी है अक्सा। हाँ। जो कि मेरी जान का टुकड़ा है, बहुत प्यारी है। तो सारा खानदान कहता था मंगनी के बाद कि निशा बिल्कुल वैसी है, और सब समझ रहे हैं कि वो उसी की बहन है, जबकि बिल्कुल बिल्कुल आउट ऑफ फैमिली है। और हम लोग उसकी अम्मी को तो मैं जानती थी लेकिन उसे बिल्कुल नहीं देखा हुआ। हाँ। था। और बस कहते हैं ना, जोड़े आसमानों पर बनते हैं, तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मैं अल्लाह मियां हमेशा ऐसे ही रखे जी। और मैं अपने बेटे का बहुत आजकल के जमाने में शुक्रिया अदा करूंगी कि उसने ट्रस्ट किया, ट्रस्ट किया। उसने कहा था अम्मा मेरी दुल्हन आप ही ढूंढा, तो फिर अब मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ कि माँ बाप पर शादी के लिए भरोसा ज़रूर करें। हाँ। क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा बेहतरीन साथी आप खुद नहीं चुन सकते, क्योंकि माँ बाप तजुर्बाकार होते हैं और तजुर्बे का कोई शॉर्टकट नहीं, दुनिया देखी होती है। देखिए हाँ। माँ बाप ऐसे एक्सपीरियंस होता है कि आप बचपन से लेके जब आपके अपने बच्चे उस एज तक आ जाते हैं, तो आपने शादियाँ अटेंड की होती हैं, आपने फैमिली को देखा होता है, तो जितना एक्सपीरियंस और जितना आपको पता होता है कि देखें क्या नाम लेते हैं, वो तो अल्लाह ताला सबके लिए बेहतर करे, इंसान बिल्कुल नहीं जान सकता, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रस्ट किया जा सकता है माशाल्लाह, और करना भी चाहिए। मेरे बड़े बेटे ने उसकी पसंद थी, फिर हम लोगों ने पसंद किया, तो ऐसा नहीं है कि पसंद की शादियाँ सही नहीं होती, वो भी अच्छी हैं, लेकिन आजकल के दौर में अगर बेटे माओ के या बप के ऊपर ट्रस्ट करें, माओ पर स्पेशली, तो ये बड़ी बात है। बिल्कुल। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद ये दो आज एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं, क्योंकि इन्होंने इनकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं, उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। छोटी सी शादी की वर्कशॉप समझ लें आज के शो को। सो अगर इर्द गिर्द वाले किसी भी महके वालों को ज़रूरत है हमारी टिप्स की, शो ज़रूर देखिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो एक्सपर्ट्स में एक और शख्सियत का इजाफा हुआ है,
और हमारे साथ राबिया उमर कह रही हूँ ने ज्वाइन किया है, जो कि इवेंट प्लानर है, इंटीरियर डिज़ाइनर है। जाहिर है इतनी सारी शादियाँ अरेंज करती हैं, जब शादियाँ आप अरेंज कर रहे होते हैं ना तो आपको अंदर बाहर की सारी चीज़ें कान में पड़ी जाती है, पूरा दिन आप पूरा सेटअप कर रहे होते हैं तो परेशानियाँ ये वो कान से बातें गुजर ही जाती हैं, और फिर जो ऐसी मुश्किल जो इवेंट को लेकर होती हैं उसका भी आपको एक्सपीरियंस है। राबिया अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? आई एम गुड, ठीक ठाक है जी, थैंक्स। तो ये एक छोटी सी शादी की वर्कशॉप है। ओके क्योंकि मैं इंट्रो में भी कही थी हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है, यानी कि मेड तक की ट्रेनिंग होती है कि ये हम इतने बजे खाना खाते हैं, इतने बजे वो होता है, जब हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है तो इसकी क्यों नहीं? इतना बड़ा इवेंट, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, तो थोड़ी बहुत चीज़ें लोगों को इस तरह मालूम होनी चाहिए। खुदा ना खास्ता ये गड़बड़ हो गई तो क्या करना है, वो गड़बड़ हो गई तो क्या करना है। सो आप तीन ऐसे एक्सपीरियंस लोग हमारे पास मौजूद हैं जो शायद कोई ना कोई ऐसी जुमला हो जिसकी वजह से वो हेल्प कर दे लोगों की। सो शुरुआत करते हैं, लोगों के सवालात हैं, लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं जो उन्होंने भुगती हैं और उनके पास उनका हल नहीं था। आइए शुरू करते हैं। पहली प्रॉब्लम, और मेरे हस्बैंड का नाम है शावेस। तो हमारी शादी ऐसे हुई थी कि मैं शावेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन शावेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो शावेस ने मेरी सिस्टर से दोस्ती करके मुझे इम्प्रेस करने का सोचा और इसी तरह से हमारी शादी हो गई। फिर हमारी शादी में प्रॉब्लम ये आई कि हमारी शादी में एज़ यूजल जो प्रॉब्लम आती है रिश्तेदारों की नाराज़गी की, लेकिन मेरी पप्पो नाराज़ हो गई। और पप्पो तो आपको पता है मनाना कितना ज़्यादा मुश्किल काम होता है। नाराज़ वो इसलिए हुई थी कि उनको कार्ड नहीं पहुँचा था जल्दी, क्योंकि उनको चाहिए था सबसे पहले कार्ड, क्योंकि सबसे पहले पप्पो को कार्ड जाए, आगे फिर और किसी को कार्ड जाए। फिर जब पप्पो के पास कार्ड नहीं पहुँचा, मैं खुद कार्ड लेके पहुँची और मैंने पप्पो को बहुत मनाया। फिर जाके पप्पो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मानी और फिर उनको हम लोग खुद लेने के लिए गए इवेंट के लिए, बारात के लिए खुद पिकअप किया हमने उनको। ये जो रिश्तेदार नाराज़ हो जाते हैं इनविटेशन को लेके, ऐसा क्या करना चाहिए कि रिश्तेदार नाराज़ ना हो? इतनी ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाती है कि इन्विटेशन को लेकर रिश्तेदार नाराज़ हो गए कि हमें पहले नहीं दिया। आप लोग मुझे बताएं कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अच्छा जी, मैं एक लबे लबाब बता दूं जो सारी है कि रिश्तेदार, स्पेशली जब आपके घर में इवेंट होता है, आई डोंट नो, उस वक्त सबसे ज़्यादा कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन उस वक्त सारे रिश्तेदार इतनी सी बात को इतना कर लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारे यहाँ रिश्तेदारों के दोस्तों के बगैर शादी नहीं हो सकती, बहुत ज़रूरी होता है। सो इनका सवाल ये है, ऐसा हम क्या करें कि वो स्ट्रेस और वो टेंशन, वैसे ही शादी की इतनी सारी होती है, उससे हमें गुजरना ना पड़े और रिश्तेदार नाराज़ ना हो। ऐसे मसला पता है क्या होता है कि ये जब शादी को ना एक टारगेट किया जाता है, ऐसा नहीं होता कि वो शादी की वजह से, वो कार्ड की वजह से, क्योंकि वो उनको मौका मिलता है कि हाँ। अच्छा वो दिल में सोच कर बैठे होते हैं होने दो बच्चों की शादी, फिर देखना मैं ऐसा तिकनी का नाच ना चाहूंगी ना, सब बदले लूंगी। तो ये उनकी प्लानिंग काफी अरसे से चल रही होती है कि जो फिर एंड शादी के टाइम पे, और मतलब कि एक डिप्रेशन देना एक बंदे के, इतने सारे काम रह जाते हैं। देखिए एक आदमी आपको स्ट्रेस दे रहा है और फिर आपके जो अपने काम है, जो बच्ची के काम है या बच्चे के काम है, वो बहुत सारे पेंडिंग में चले जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे रिश्तेदारों में ऐसे कौन कौन से रिश्तेदार हैं कि जो एंड टाइम पे गंद करने वाले हैं। या तो आप दिल पे पत्थर रख के उनको बुलाएं ना, जो सच्ची बात है कि कुछ भी हो, शादियां हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। या फिर आपको पता होना है कि उन्होंने क्या भंड करना है, यानी कि आने का तो उन्होंने करना ही करना है। ये गन तो वो करते ही करते हैं कि हम नहीं जा रहे, हम नहीं अटेंड करेंगे, फिर पूरा खानदान जाएगा मनाने के लिए। तो इससे बेहतर है कि आप सबसे पहले उन्हीं के पास जाएं, उनको खुश करेंगे, पहला कार्ड और पहला घर आपका है। अच्छा, अब ये हो गई इनकी टिप, आप अपने हिसाब से टिप दें। मैं अपने हिसाब से टिप ये दूँ कि पहले भी मैंने आपको बताया था ना, मैं कार्ड देने खुद गई थी, बल्कि सब ने मुझे यही कहा कि अब तो मोबाइल का दौर है, आप व्हाट्सएप करें। तो उनके लिए नहीं, लेकिन मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है कि मैं जाके, क्योंकि मेरे एक मामू माशाल्लाह 90+ हैं, तो मैं उन वो व्हाट्सएप नहीं देखते। मैं ये नहीं कर सकती कि मैं उनको व्हाट्सएप पर कार्ड भेज दूँ या मेरे दूसरे मामू या मुमानी दिखाएं। तो मैं सिर्फ उनका सोचकर ये इनिशिएटिव लेती हूँ कि मुझे बड़ों के यहाँ कार्ड लेकर जाने। तो मैं तो टाइम निकालती हूँ, मैंने 2 दिन निकाले थे लाहौर के लिए,
उसमें मैंने सियालकोट से अपनी बहन को बुलाया, इधर वाली बहन, और एक मेरी चचा की बेटी जो अमेरिका से लास्ट टाइम भी आई थी वो अभी भी आई थी। तो हम चारों ने जाकर सबको कार्ड दिए। अच्छा। मेरी एक मुमानी वो बिजी थी, मैंने दो मरतबा पूछा उनसे कि मैं आंटी आना चाहती हूँ, उन्होंने कहा कि सबक कोई ऐसी बात नहीं, तुम जब हम आएंगे ना माइयों मेहंदी पर तो तब कार्ड दे देना। तो मैं इजी हो गई थी कि इधर कोई नाराज़गी नहीं है। तो मैंने तो सबको कार्ड दिए घर जाकर, जो मेरे बहुत करीबी बल्कि बहन भाइयों के यहाँ भी दिए। फिर मैं गई, फिर उन्होंने हमें पैसे दिए भाई, मेरे भाइयों ने। वो जो पहले का दौर नहीं होता था कि आप इनविटेशन लेकर आए हैं, जैसे पंजाब में कहते हैं ना सद्दा लेकर आए नेक, तो उन्होंने हमें पैसे भी दिए बहनों को, खाना भी खाया हमने, और एक हमारी वो भी फेस्टिविटी रही। हाँ। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको जब लगे कि कोई नाराज़ होने के किसी के चांसेस हैं तो आपको आप उससे मौका ही ना दें। हाँ। आप उधर खुद चले जाएं। हाँ। और क्योंकि आपके घर की खुशी है, आप जाएं और जाकर कार्ड दें। देखें शादी में बहुत सारे काम होते हैं, आप इतनी दफ़ा बाज़ार जाते हैं, आप कभी रंगाई के वाले के पास 10 दफ़ा जा रहे होते, तो फिर आप अपने रिश्तेदारों के पास क्यों नहीं जाएंगे। हाँ। और इन्होंने बात की फुफ्फी की, तो फुफ्फो तो बहुत करीबी रिश्ता है। हाँ। फुफ्फियों जैसा तो रिश्ता ही कोई नहीं है। हाँ। तो मैं कहती हूँ हर बड़ा जो रिश्ता है ना वो आपसे रिस्पेक्ट मांगता। हाँ। है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जाकर थोड़ा टाइम, मैंने सिर्फ 2 दिन निकाले, लेकिन किसी को कोई शिकायत नहीं हुई, बाकी सबको मैंने व्हाट्सएप किया, लेकिन मैंने टाइम निकाला। और मुझे ऐसा लगता है कि सबको टाइम निकालना चाहिए अपने घर इनवाइट करने। अच्छा, आप जैसे ये एक आप घर की बड़ी हैं तो आपका एक परसेप्शन है। जब मेरे भाई की शादी, मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया, तो ये पहली दफ़ा ऐसी शादी थी, सारी हमारी घर की शादियाँ अम्मी ने संभाली हैं। अब्बू को अम्मी प्लानिंग करके बताती थी, ये फिर अब्बू साथ होते थे अम्मी के, लेकिन ज़ाहिर है अब अब्बू की भी एज हो गई। और जब हमारे भाई की शादी हो रही थी तो हम तीनों बहनें के ऊपर ये एक चीज़ आ गई कि ज़िंदगी में हमने किसी की शादियां थोड़ी करवाई थी, तो अब हमारे भी एक बहुत करीबी रिश्तेदार नाराज़ हो गए, और हमें नहीं समझ आ रहा था कि सिचुएशन को हैंडल कैसे करें। उन्होंने अपने दिल में ही रखा हुआ था, उनका ये था कि मुझे मनाने आओ, और यकीन माने हमारे अपने भी घर हैं, ज़ाहिर हम अपने शादीशुदा हैं तीनों बेटियाँ, हमारे अपने भी घर हैं, हमारे बच्चे हैं वो, और उसके बावजूद हम अपने भाई की बरी भी तैयार कर रहे हैं और भी चीज़ें देख रहे हैं, शादी की तैयारियाँ भी चल रही हैं वो। सो हमारे ऊपर इतना बर्डन था कि बजाय उस वक्त हमें हेल्प चाहिए थी अपने बड़ों की, क्योंकि वो जो हमारा कर्ता धर्ता थी, हमारी माँ थी, वो नहीं थी। सो मुझे उस वक्त ये दुख हुआ कि वो जो हमारे बड़े हैं करीबी, उनको बढ़ के हमसे ये पूछना चाहिए था, बेटा हम हेल्प कर, तुम्हारी अम्मी नहीं है तो हम तुम्हारी कोई हेल्प कर सकते हैं, हम बताओ किसी काम आ सकते हैं, बजाय इसके कि वो मुंह मोड़ के बैठ गए, हम तो नहीं आएंगे। वो नहीं आए शादी में, वो नहीं आए शादी में। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके घर की शादी हो ना, आपको पता भी है सामने वाले का मूड ऑफ है, आप यकीन जाने मैं उनको उसी प्यार से मिलती हूँ, और मुझे पता भी है कि इनका मूड इतने अच्छे तरीके से आप मिलें कि उनको खुद एहसास हो जाएगा कि नहीं, मैं तो बाद में नाराजगी नहीं रही मेरी उनसे, मैं तो गले लगा के मिलती हूँ। हाँ, मगर छोड़ दे, एक दिल में मेरी ये बात रह गई। हाँ, उस वक्त के जब नहीं होती ना माँ, और माँ से इतना करीबी रिश्ता हो तो वो फिर निभाते। नहीं, नहीं, बच्चों से नाराजगी बड़ों की नहीं, बहुत बुरा, दुनिया की सबसे बुरी बात है। तो मेरे दिल में ये रहेगी कि वो लोग जो माँ के इंतकाल के बाद जो पहले थे करीब नहीं थे, कुछ लोग करीब हो गए ज्यादा, वो मेरी जिंदगी भर हमेशा करीब रहेंगे कि ये देखो इन्होंने ये एहसास किया कि अम्मी नहीं है इनकी, तो यार हम इनको सब नहीं, ये तो ज़र्फ की बात है। चाहे हम कितने भी बड़े हो जाए ना, माँ वाली चीज कोई कमी पूरी नहीं करती। निदा, ये देखे ज़र्फ है ना, ज़र्फ हर इंसान का एक जैसा नहीं होता। हाँ। ये बहुत ज़र्फ वालों की आदत है कि आपकी जैसे अम्मी का डेथ हो गई भी थी, आप बच्चे थे, तो बच्चों को अपने बच्चों की तरह लिया जाता, या ये सोचा जाता कि इनकी जिंदगी में इस मौके पर एक ही भाई है, इतनी बड़ी कमी आई है, हमें उस कमी को पूरा करना है किसी हद तक। तो ये ज़र्फ की बात है, स्पेशली तीनों बेटियां ससुराल वाली। सबसे बड़ी बात ये है कि आपने अपने ससुराल को भी देखना है, मतलब कि आप जब शादीशुदा होते हैं आपके पास बहुत डबल जिम्मेदारियां हो जाती है। सो उस वक्त हमें एहसास हुआ
कि यार ये माएँ कैसे संभाल लेती हैं सारी चीज़ें। ये माएँ होती हैं, सिर्फ माएँ। कि ऐसी शादी अम्मी ने स्मूथ संभाली तीनों बेटियों की, कि तो हमें तो कानों का पता ही नहीं चला। और मेरे अब्बू को भी उस वक्त एहसास हुआ, आपके घर में कोई एक ऐसा शख्स होता है जो ये सब बर्डन संभाले हुए होता है, और जब वो चला जाता है ना, फिर आपको पता चलता है अल्लाह कितना उन्होंने। और आपको नहीं पता कि आपकी अम्मी ने आप तीनों की शादियों में कितना बर्डन लिया हुआ था, जो उन्होंने किसी पर भी जाहिर नहीं किया। हाँ, क्योंकि वो जज्ब कर सकती थी, आपके अबू भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली तो ये माँ होती है। तो ये अगला सवाल की तरफ चलते हैं, इसका अलग अलग आपको पॉइंट ऑफ व्यूज मिल गए जो आपको सूट करे, आप अपने ऊपर अप्लाई करें। जी नेक्स्ट सवाल। दूसरा प्रॉब्लम हमारे साथ ये हुआ कि हमारे माइयों वाले दिन हमने गली में बाहर सेटअप लगवाया था, बहुत अच्छा लगवाया था पूरा सेटअप, हमने डांस फ्लोर वगैरह सब कुछ लगवाया था उसमें, डांस फ्लोर वगैरह सब कुछ था, और एंड मोमेंट पर लाइट चली गई हमारे, और स्टैंड बाय जनरेटर का बिल्कुल इंतजाम नहीं था क्योंकि हमारे बजट में भी नहीं था वो। और फिर जब लाइट चली गई, सब मेहमान इतने अंधेरे में बैठे हुए, सब इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, बहुत शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा हमें। फिर हम लोगों ने अर्जेंटली स्टैंड बाय जनरेटर का इंतजाम किया, वो भी डबल बजट में। अब आप लोग मुझे ये बताएं, जिस एरिया में लाइट जाती नहीं और डबल बजट में जनरेटर का इंतजाम करना पड़े, तो इसका क्या सोल्यूशन है? जी ये सवाल आपके लिए, ये आपके लिए, ये आपके लिए सवाल है। हम इतना खर्चा कर देते हैं और कंजूसी कर लेते हैं जनरेटर में। ये मेरे ख्याल से ऑब्वियसली इन्होंने खुद अपनी सारी वेडिंग प्लान की है सब कुछ, तो ये इनको केटरर्स को ना थोड़ी सी एडवाइस देनी चाहिए। दैट्स व्हाट वी टेल आल्सो। अच्छा पता है, मैं आपको बताऊं, जी जैसे अगर केटरर्स एडवाइस देते कि आप जनरेटर रखें, बजट बचाते, तो एक स्टैंड बाय भी रखें। स्टैंड बाय होता है, पता है, इट्स पार्ट ऑफ द पैकेज। जो बता के करते हैं कि जो लोग होते हैं ना, वो कहते हैं देखो ये पैसे ऐंठ रहा है, ये उनकी ज़हनियत हो जाती है। सही, लेकिन हम यही पहले से इसी तरह की किसी सिचुएशन के लिए गाइड कर देते हैं कि जब आप किसी हॉल में या उधर नहीं कर रहे हैं, जैसे आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी गली में किया था, तो आपका एक तो जनरेटर होता है जो आपने बुक किया होता है, और बहुत मिनिमल कॉस्ट पे आपसे 1/4 प्राइस पे हम आपको एक स्टैंड बाय जनरेटर भी अरेंज करके देते हैं विद फ्यूल। ओके, वो इसी तरह की सिचुएशन के लिए होता है कि आप नहीं चाहते कि शादी में बदमस्ती हो या इस तरह हो, लाइट चली जाए, सब डेढ़ दो घंटा लाइट गई तो आप कर टाइम खत्म, ये सारा तो टाइम निकल ही निकल गया। तो ये भी एक टिप है कि लोग ये याद रखें कि जब आप जनरेटर बुक करा रहे हैं, आपको एक ऑप्शन होती है स्टैंड बाय जनरेटर की, जो मतलब उतनी कैपेसिटी का नहीं होता, लेकिन इतना होता है कि आपकी लाइट्स चल जाएं, एंड देन यू नो आपका फंक्शन डिस्टर्ब ना हो बीच में। आप एक सूट कम बना ले, स्टैंड बाय जनरेटर सच्ची बात ले। सही है, कुछ आइडिया देंगी जरा कि कितनी कॉस्ट होती होगी? ओके, सो अगर आपका रेगुलर 100 kVA से ऊपर का जनरेटर इज अबाउट 20-25,000, तो वो अगर 20-25 का है, तो ये स्टैंड बाय हम आपको इन द प्राइस ऑफ 10-12 दे देते हैं। ओके, जस्ट बिकॉज एक चीज वहाँ पे हो, कभी हमारे से भी मैल फंक्शन हो जाता है, यू नो मशीन है, कभी कोई गड़बड़ हो गई, तो यू हैव अ स्टैंड बाय जो उसी वक्त आपने स्विच किया और फंक्शन आपका डिस्टर्ब, क्योंकि ये फंक्शन रिपीट तो नहीं होगा, नहीं होगा, एक ही दफा होगा, और ये याद रह जाएगा। लाइट नहीं थी, बोरिंग थी, दो घंटे हम मच्छर में गर्मी में बैठे रहे, ये कुछ लोग तो भाग जाते हैं ना, कुछ लोग तो जाहिर है बच्चे चीखना रोना, सही कह रहे हो, छोटे बुजुर्ग इतना मतलब परेशान करते हैं, तो इससे बेहतर है कि आप एक दो सूट कम बनाएं, वो भी मेहंदी है जब देर तक रुकते हैं लोग। ये इनको वैसे किसी को एडवाइस करना चाहिए था फॉर योर व्यूअर्स नाउ, जब करें आप जनरेटर अगर आपका किसी फंक्शन में बुक्ड है, तो साथ एक स्टैंड बाय जरूर हो। देखिए ये वर्कशॉप बेसिकली इसीलिए है, ये जो आपके आने वाले प्रॉब्लम्स है ना, उनसे आपको बचाने के लिए। एग्जैक्ट जी। अच्छा, जैसे हर किसी के घर में कोई ना कोई मिसहैप होता है, शादी है, कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप दोनों की से सवाल करूंगी, कोई खुदा ना खास्ता छोटी मोटी ऐसा मिसहैप हो गया था, गाड़ी फलाना लेट हो गया या कोई ऐसी चीज़ हुई थी? आप बताएं पहले। मुझे तो स्पेशली क्या नाम लेते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप बाहर से, जो आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा बाहर रहने वाले लोग हैं, वो आए हैं, तो वो आपको ये चीज़ नहीं मतलब होती कि आपसे कॉपरेट, उनको ये होता है कि हमने यहाँ घूमना भी है, हमने बाहर आउटिंग भी करनी है, हमें ये सारी चीज़ें करनी है, और वो चीज़ें मैंने करवानी है। हमें तो नहीं पता हम क्या करें जी, हम कहाँ जाएँ,
आप उनको क्या नाम है गाड़ी जो है वो अरेंज करके देंगे, आप उनको ड्राइवर लेकर दें, मतलब वो आपके ऊपर एक और बर्डन आ जाता है। देखिए ना, आपने अपने बेटे की या बेटी की शादी कर रहे हैं, आपने वो इंतजाम करने हैं, आपने लोगों को बुलाना है, जैसे ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाजमी आपको जाना पड़ता है, खुद जाना पड़ता है उनको, तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसमें आपको वो चीज़ें मैनेज करना, और फिर माशाल्लाह आपका बजट जो है वो ऐसा ऊपर जाता है ना, आसमान पे जाता है। मेरे उसके लिए ये है कि क्या नाम लेते हैं, जब आप बुला रहे होते हैं, जब बाहर से भी बुला रहे होते हैं किसी को भी, तो सबसे बड़ी बात है कि अगर मतलब हर किसी की इतनी प्यार नहीं होती या इतने अफोर्ड नहीं कर सकते कि जी आप ड्राइवर भी रखें और गाड़ियाँ भी इतनी आपको लोग अपनी दे दें, ड्राइवर भेज दें, तो जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं या कुछ नहीं है, तो जब वो अपनी फैमिलीज़ को बुलाते हैं तो जब आए तो उनको पहले जब बाहर है ना बुलाते वक्त बता दीजिएगा कि ये जो है इस वक्त हमारी मतलब वो है, तो जो अगर आप चाहेंगे तो हम ये चीज़ें आपके साथ कर नहीं कर सकते, आप बुक कर आप बुक कर नंबर शेयर कर लें। मेरे खानदान में शादी थी तो जो मेरी कजन आ रही थी उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था, दो फैमिली ने कि हम तुम्हारे घर, दो महीने पहले बता दिया हम तुम्हारे घर ठहरे, ठीक है। सो वो जो दुल्हन थी और दुल्हा की फैमिली थी उन पर कोई बर्डन नहीं पड़ा, वो मेरे घर आ गए। फिर उन्होंने पहले ही बता दिया था कि भाई रेंट कार करवा के रखते हैं, ये जो रिश्तेदार है वो खुद भी एहसास वाले होते हैं, वो कहते हैं रेंट कार करवा के रख देना, हमें शॉपिंग करनी है, ये करनी है। सो अगर आप किसी की शादी अटेंड करने आए हैं तो ये नहीं समझें कि उनको छोड़ना लेना हर चीज जिम्मेदारी होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ही इतनी बर्डन है। जो लोग इतने मतलब लाइक साहिब हैसियत है जो अफोर्ड कर सकते हैं वो खुद ही बोल देते हैं तुमने हमारे घर रहना है, हम गाड़ी भी मैंने बुक करा ली है, वो पहले ही बता दे। बिल्कुल मेरे साथ तो ये मेरे मतलब हर बंदे की ये सिचुएशन नहीं होती कि मुझे तो सबने ड्राइवर और गाड़ियां दे दी और मैंने देनी, लेकिन हर किसी का नहीं। लेकिन अगर गाड़ी देर से आती थी ना तो तुम यकीन करो क्या बात भाभी कहाँ अभी तक ड्राइवर नहीं पहुंचा अभी, तो ये लायबिलिटी जो है ना ये बड़ी मुश्किल है। ये वैसे जहालत है, जहालत, ये जहालत है, इसको तो मैं जहालत ही कहूंगी। अच्छा सवाल क्या एक था? ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सवाल ये था कि जैसे हमने कहा कि इनका जनरेटर ऑफ हो गया था, कोई इस तरह का मिसहैप या कोई जैसे इन्होंने बताया कि भाई वो एक्सपेक्ट करके आ रहे होते हैं, ये हमें घुमाएंगे भी फिराएंगे, वो शादी अटेंड करने के साथ घूमने भी आ रहे होते हैं। बिल्कुल, मगर यहाँ ऑलरेडी इतने बर्डनाइज होते हैं जिसके घर में शादी होती है कि वो आपकी मेहमान नवाजी वैसे नहीं कर सकता जैसे आप बगैर इवेंट के आते थे पहले। तो एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आप बताइएगा कोई ऐसी माशाल्लाह तीन शादियां आपके घर में हुई, कोई ऐसा छोटी मोटी चीज़ जिसको आपने बाद में लर्न किया हो, इससे सबक लिया हो कि ये नहीं करना मुझे। सही। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद शादी की वर्कशॉप। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं शादी की वर्कशॉप और ये क्या क्या गिरना शुरू, मेरा बुंदा गिर गया, अल्लाह इतना छोटा सा पहने वो भी गिर गया। और मेरी शादी में मेरी अम्मी का भी बुंदा गिरा था और वो गोल्ड का था, मैंने बहुत दफ़ा बताया है सारी शादी की वीडियो में मेरी अम्मी एक बुंदे में रही। क्यों? क्योंकि जो आता था अस्सलाम वालेकुम, सुने ज़रा आप मेरा बुंदा दूसरा मिले ज़रा मुझे बता दो। और अम्मी को शादी के आखिर में रुखसती के बाद अम्मी के सोने का बुंदा मिल गया। Very good. किसी ने ढूंढ के दिया, सुने सुने ये मेरे पैर के नीचे आया, ये टेढ़ा हो गया था, चले मिल तो गया। मेरा भी बुंदा वैसे ही गिरा है और मुझे नजर आ गया। तो हम जाने से पहले, ब्रेक पे जाने से पहले हम सबा जी सोच रही थी कि उनके बच्चों की शादी पे कोई ऐसा मिसहैप हुआ है जो वो लोगों को बताना चाहती हैं कि क्या करें उस पर। अच्छा, होते होते रह गया। हाँ, क्योंकि हम लोग होते होते रह गया। हाँ, होते होते रह गया। वैसे गुड लक कि हम बारात, सबको ही पता है कि लाहौर से हम कराची बारात लेकर गए। और जब ये अभी की बात करिए, अभी की बात था अरसलान की बात, तो हम लोग कोई 60 लोगों की बारात लेकर, ये बहुत बड़ी है। पूरा जहाज बुक कराया था? नहीं, हमने करवाई थी पूरी बस बुक करवाई थी। बल्कि थैंक यू सो मच उनका भी कि उन्होंने इतना कोऑपरेट किया और उन्होंने हमें इतनी इतनी अच्छी सर्विस दी। ओवरनाइट थी हम लोग, जाहिर है ओवरनाइट। हाँ, उन्होंने कहा तो ये था कि 16 घंटे, लेकिन हम कोई 22 घंटे में तो लाहौर से कराची पहुँचे। और वापस जाकर
जब हम वापस गए हैं तो कुछ उधर फॉग का मसला था, तो हम 28-29 घंटे में पहुंचे। ओह माय गॉड। लेकिन वो आगे रिक्लाइनर्स थे, मेरे भाई वगैरह जो ज़रा सब एज के थे वो आगे बैठे हुए थे, बाकी बच्चों वाले, और जब कोई थकता था वो आगे बैठ जाता था, और सीट्स बड़ी कंफर्टेबल थी। अच्छा। बल्कि मैं कहूँगी कि ये मैंने ट्रेन पर आना था लेकिन मुझे ये इतनी अच्छी ऑप्शन लगी, और उनका थैंक यू कि उन्होंने बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड की। हमें जाते हुए उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त सा डिनर दिया, वापसी पर ब्रेकफास्ट दिया, तो वो बड़ा अच्छा रहा। तो वापसी पर इतने घंटे हो गए थे फॉग की वजह से, और नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट डे मैंने एक घर पर मिलाद रखा हुआ था, कि इस दफ़ा मैंने मिलाद पहले नहीं रखा था, मैंने कहा दुल्हन आएगी तब रखेंगे उसके साथ, तो मिलाद रखा हुआ था, वो भी एक बड़ा फंक्शन था। अच्छा, उससे जाने से पहले मैंने घर में एक माइयों रखी, तो सब लोग आए थे और बड़ी ज़बरदस्त हो गई, थोड़े से लाइट थोड़ी सी टाइम के लिए गई तो फील नहीं हुआ। वापसी पर मैंने बस में ही ऐलान किया कि मैं कल का इवेंट कैंसिल कर रही हूँ, क्योंकि 28-29 घंटे हो गए हैं, सबको जाके रेस्ट भी करना है, और फिर कल, और मुझे भी कल दूल्हा दुल्हन ने भी आना है, वो अगले दिन आए थे, तो इसलिए तो सब ने एग्री किया कि नहीं नहीं कैंसिल करते। मैंने कहा ठीक है। अब नेक्स्ट डे दूल्हा दुल्हन आए हैं, कराची से इस्लामाबाद गए क्योंकि लाहौर की फ़्लाइट्स नहीं मिल रही थी, इस्लामाबाद से फिर मैंने कार करवाई, कार में ये लाहौर आए, और वो जो वेलकम वो भी सभी ने देखा, मैंने अपनी बहू का किया माशाल्लाह। तो उस दिन फिर मैं सोचूं कि ये तो नहीं हो सकता, मेरी दुल्हन आई है तो आज का दिन इतना सादगी से गुजर जाए, तो शाम में सबको बुला लेती हूँ वेलकम के लिए ना। हाँ। तो वो एक इतना बड़ा सा इवेंट बन गया घर में, सबको मैंने कॉल की और सबने कहा तुम रह नहीं सकी ना सभा, मैंने कहा नहीं आ जाए। तो मैंने उस दिन वरना एक बड़ा इवेंट रखा हुआ था मिलाद का, और आप यकीन जाने उस दिन छः लोड शेडिंग का फर्स्ट डे था, और लाइट गई है 6 बजे, 7 बजे लाइट गई है, और 10 बजे लाइट आई, 3 घंटे इवनिंग और इतने बजे, और घर का वो UPS था, और हम लोग बस घर में अब खुद लोग थे, मतलब थे फिर भी 35-40 लोग थे। लेकिन वो जो बड़े इवेंट था और मेरे जहन में नहीं था, और वो मैंने घर में ही रखा हुआ था, अगर मैं वो कर लेती तो ये लाइट जाती तो मेरा इवेंट खराब हो जाता। तो वो अल्लाह ने इतना साथ दिया, बचा लिया। फिर 10 बजे लाइट आई तो हमने 10 बजे तब भी मैंने कुछ खाने वाने का उनसे कर ही लिया था। तो ये वाले सारे बहन भाई इमीडिएट फैमिली थी ना, जो समझते हैं। लेकिन हमारा वो इवेंट भी इतना वायरल हुआ कि उसको भी। अच्छा, तो वो लाइट गई भी थी, UPS पे शूट किया था वो। नहीं, 10 बजे आ गई। अच्छा, फिर हमने 10 बजे के बाद जैसा था हमने वैसा। वैसे कराची में तो हमारे आते ही सब 10 बजे के बाद, उससे पहले तो कोई आते ही नहीं। यही बारात पर हम तो तैयार, और मैंने तो टाइम पर इधर बिल्कुल 8 बजे हम रेडी थे, मैंने सेराबंदी स्टार्ट कर ली 8 बजे, हम 9 बजे बिल्कुल जाने के लिए गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब आई हुई थी, और उन्होंने हमें कहना था कि आप निकल आए, तो वो मेरे ख्याल में कुछ लेट होंगे या कराची का मुझे पता ही है, बाकी सबको मैंने 10 बजे का टाइम दिया, आर्टिस्ट लोग मुझे पता था 10:30-11 बजे से पहले नहीं आएंगे। अब उन्होंने जब कहा ना आ जाएं, हम तो निकल गए, लेकिन इतना रश था कि हमें इतना छोटा सा फासला 1.5 घंटे में, हमने बहुत रश था, बहरोज का फोन आ रहा है सभा किधर हो, मैंने कहा 5 मिनट के फासले पर है। उन्होंने कहा कहाँ, मैंने कहा इस जगह, नहीं ये तुम्हें अभी घंटा लगेगा, मैंने कहा ये रहा हॉल, उन्होंने कहा और वही हुआ। इतना रश था, लेकिन मेरी आर्टिस्ट बरादरी, मैं सब पहले थे, हमने उनको वेलकम किया, सब पहुंच गए थे, और मुझे बस ये फिक्र हो रही थी कि इन सब की ना बस तस्वीरें खिंचा के ना, खुद हम लोग कभी कभी रिग्रेट भी हो जाते हैं, लेकिन माशाल्लाह निशा के घर वाले इतने समझदार थे, उन्होंने हमें किसी ने होता है ना तंग नहीं किया। इनके आने से पहले मैं इनको यही बताई थी कि आपके आने से पहले हम सारे जितने भी लोग आए हुए थे इनकी मोहब्बत इनके प्यार में, हम सब एक दूसरे से मिल रहे थे, बातें कर रहे थे, कोई नहीं था ऐसा, वरना आप शादियों में जाते हैं तो जाहिर है वो मोहब्बत प्यार करते हैं, फैन वो छोड़ते नहीं, वो तस्वीरें खिंचवाते रहते लेकिन इतना अच्छा अरेंजमेंट था,
इनके आने से पहले तक हमें किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, हम सब अपने में मस्ती में सब लगे रहे, गप्पे मारते रहे, बातें करते। आपको पता है निदा, सबने मुझे कहा कि सभा बहुत अच्छा इवेंट है, बहुत अच्छा खाना था और डेकोरेशन सब बहुत अच्छी है, आप लोगों का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। मैंने कहा ये मेरा नहीं था, ये मेरी बहू के घर वालों का था। हम बन कबाब खा रहे, पानी पूरी खा रहे, सब इतना मजा चल रहा था, वो शेंदी थी लेकिन वो सब उन्होंने अरेंज किया था और उनका इंतजाम बहुत अच्छा था। माशाल्लाह, तो कोई मिस है ऐसा नहीं, क्योंकि हमें लगा एडवेंचर किया हमने, लाहौर से बारात लेकर कराची आए, कि बड़ा मजा आता है ऐसे जब सब लोग इकट्ठे आते हैं जी। फिर हम इधर जहाँ ठहरे उन्होंने गेस्ट हाउस पूरा बुक करवाया हुआ था और ऊपर नीचे 11-12 रूम्स थे, हम सब बिल्कुल ऐसे थे जैसे घर है, नाश्ते कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। फिर मैंने मेकअप आर्टिस्ट भी गेस्ट हाउस में बुला लिए, जबरदस्त सबको मैंने तैयार किया उधर ही, कोई ये चक्कर नहीं था, एक सैलून जा रहा है एक आ रहा है, सिर्फ अरसलान सैलून गए और उसके लिए ट्रियो सैलून का मैं थैंक यू बोलूंगी, उन्होंने इतनी अच्छी सर्विसेज दी, इतना अच्छा दूल्हा बनाया उन्होंने माशाल्लाह। तो बहुत कुछ, सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज और इतना अच्छा हो गया कि किसी किस्म की भाई अम्मियां ही कर सकती हैं। और मैंने ये सोचा हुआ था, अच्छा सोचा भी नहीं था कि मेरे चेहरे की मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए। और नहीं, मैं कह रही, मैं ये सोच रही थी हाय अल्लाह ये कैसे इतनी मतलब फ्रेश नजर आ रही है माशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि अरेंजमेंट्स की वजह से निकसुक से तैयार नहीं हुई, वो सब तैयारी भी जबरदस्त, हंस रही भी है, वीडियोस भी बन रही है। मैंने कहा अल्लाह मुझे ऐसी शादी करनी है अपने बच्चों की, मैं वो सोच रही थी। मैंने कहा मैंने डांस भी करना है, मैंने तैयार भी होना है और मैं मुझे सिर्फ एक अफसोस हो रहा था, सोती भी थी एक ही बच्चे की शादी रह गई है, वो खत्म, अब मैं क्या करूं। नहीं यकीन जाने निदा, दो दो घंटे की नींद ली है, मेरी बहनें थी, मेरी भाभियां थी साथ, हमने मिलकर विद बनाई, सब कुछ किया इधर और दो घंटे की हम लोग नींद लेते थे, लेकिन चेहरे पर इतनी फ्रेशनेस थी, वो खुशी की फ्रेशनेस थी, माशाल्लाह। अच्छा वैसे मैंने दोनों बेटियों की शादियां की और ज्यादातर ना बेटियों की शादियों, और ये बेटे वाली शादी जो है ना, ये मैं बड़े गौर से सुन रहा हूं, क्योंकि आप इनका बेटे का नंबर आने वाला है। आपने झूमर भी लगाना है, आपने टीका भी लगाना है, आपने घर, मैं हर इवेंट पे कहती थी अपनी भाभियों को भी बहनों को भी, कहते इससे मत पूछना क्या पहनना है, इसने कहना है गरारा पहनना है। तो मैंने कहा हाँ भाई गरारा पहनना है, गरारे पहनने। मैंने तो अच्छा बस लगता है वैसे, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप बस ये कोई मसला नहीं हुआ कि मुझे कोई कपड़े बनाने थे, शादी से 5 दिन पहले तक मुझे सब पूछ रहे थे क्या पहनना है, मैं कहती थी अभी तो मेरा जोड़ा ही नहीं आया, कहते इतने सुकून से कह रही है जोड़ा नहीं आया तो क्या, मैंने कहा मुझे पता है सब बहुत अच्छा आएगा। और जब आया, सियालकोट की एक डिज़ाइनर है सनिया, मैंने उनका जोड़ा पहना, क्योंकि मैं कहती हूँ जो हमारे डिज़ाइनर हैं ना जिनके नाम है उनको तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा नवाजा हुआ है, मैं उन डिज़ाइनर्स का शुक्रिया अदा करूँगी जो के नए हैं और मैंने कोशिश की कि उन्हें प्रमोट करूँ और मैंने किया। मैं पहन सकती थी हर बड़े डिज़ाइनर का जोड़ा लेकिन मैंने नहीं पहना, मैंने सनिया का पहना, मैंने नौशीन का पहना, नौशीन खालिद का, मेरे बेटे की शेरवानी नौशीन खालिद ने बनाई, एक नई डिज़ाइनर माशाल्लाह, अब उसके पास इतने ऑर्डर्स हैं, मैं बड़ी खुश हूँ। और ज़ाहिर है शेरू का मैंने वलीमे पर पहना जोड़ा, वो उनका था, मेरी बहू का भी उनका था, मेरे बेटे का भी उनका अच्छा। था, तो HSY हमने वलीमे पर पहना, बाकी सब नए डिज़ाइनर्स के और फरहत अली की ज्वेलरी और सब कुछ, सब ने इतने प्यार मोहब्बत से तस्वीरें भी हम दिखाते जा रहे हैं साथ साथ, माशाल्लाह सब ने भी कोई चीज़ छोड़ी नहीं, अब जो जिक्र कर रही है हम सारी तस्वीरें दिखा जी। और मैंने इस दफ़ा एक नई चीज़ की कि लोग लड़कियों को जोड़े वोड़े बना के देते हैं ना बेटों की शादियाँ, पिछली दफ़ा मैंने सब खवातीन को जोड़े दिए थे, इस मरतबा हमारी फैमिली के जितने लड़के थे सबको मैंने पेंट कोट बनवा के, अरे जबरदस्त, सबको बनवा के दिए और वो भी हमारे कराची के एक डिज़ाइनर हैं, उन्होंने बना के दिए, तो मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि मैंने पैसे नहीं दिए और मैं सबके नाम ले रही हूँ, हमें ज़ाहिर आर्टिस्ट होने के हवाले से आपको पता है ना कि हमें बहुत इन लोगों की डिस्काउंट भी मिलता है और बहुत दफ़ा हम टैग करते हैं, तो मुझे ये बताने में कोई आर नहीं है कि हमने अगर इतना नाम कमाया ना तो हम अब ना माशाल्लाह, वो कहते हैं ना वो भर चुका है अब बाहर निकल रहा है, तो अब सबकी मोहब्बतें जो है ना वो आप समझें कि
वो क्या कहना चाहिए, उन सबकी अपनी अपनी मोहब्बत है जो मोहब्बतें हैं जो ये चीज हमने कमाई है बेसिकली, ये बात ये हमारी मेहनत की वजह से यहाँ तक हमने कमाई है। देखिए अल्लाह ने हमें इज्जत दी और उसके बाद जो है हम दूसरों का हाथ पकड़ के अगर लेके आ रहे हैं तो वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अल्लाह ने हमें इस मुकाम पर पहुंचाया हो सकता है हम भी किसी के लिए थोड़ा सा कुछ कर सकें। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, और जो लोग इतनी मेहनत करते हैं ना, मैं कहती हूँ उनका नाम ऐसे प्लेटफॉर्म पर जरूर लेना चाहिए और उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। वाओ जबरदस्त। हाँ जी, सो अब नेक्स्ट वीडियो दिखा रहे हैं जी। हाँ अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुबाब है और मेरे हस्बैंड का नाम जुनैद है, और हमारी स्टोरी ये है कि हमारी शादी ऐसे हुई है कि हम दोनों एक साथ एक ही ऑफिस में जॉब करते थे और ये मेरे सीनियर थे और मैं इनकी जूनियर थी, तो ये मुझे मतलब हर चीज़ में ना इतना तंग करते थे, मतलब मेरे सीनियर थे तो मतलब हर चीज़ में ऐसे क्यों बैठी हुई हो, काम नहीं कर रही हो, बस समझो मुझे हर वक्त तंग करते रहते थे और लड़ते रहते थे। फिर उसके बाद हमारी थोड़ी सी दोस्ती हुई, मतलब लड़ाई लड़ाई में, फिर उसके बाद इन्होंने मुझे प्रपोज़ कर दिया। उसके बाद फिर हमारे मतलब मैंने अपने पेरेंट्स से बात करी, इन्होंने अपने बात करी, हमारे घर वाले नहीं मान रहे थे, खैर अम्मी भी राज़ी हो गई थी थोड़ी थोड़ी, फिर इनके घर वाले नहीं राज़ी हो रहे थे तो ये अपना घर छोड़ के आ गए थे। अब हमारी शादी हो गई फिक्स, एक महीने का टाइम था हमारी शादी का, मतलब एक महीने के बाद की डेट फिक्स हुई थी। उस टेंशन में ना मैं अपना ड्रेस के लिए पता नहीं किस तरह मेजरमेंट देकर आई, जब मैं बारात वाले दिन खड़ी हुई हूँ तैयार होने के लिए तो मैंने अपना ड्रेस उठा के देखा है तो वो इतनी छोटी शर्ट, मतलब वो मतलब मेरे साइज की नहीं थी, वो मेरे साइज से बहुत छोटी थी। टेलर ने खराब कर दिया। मैं फिर सर पकड़ के बैठ गई, मैंने इन्हें कॉल्स करी, भाई ये टेलर ने मेरे ड्रेस के साथ क्या किया है, अब ये कह रहे हैं मैं रेडी हो रहा हूँ, ये अलग वहाँ पे रेडी हो रहे हैं, अपना अलग घर लिया था। अब वो एक टेंशन के भाई क्या करूँ, किसी तरह मैंने उसको पहना और मैं उसको पहन के ऐसी लग रही थी जैसे बिल्कुल किसी ने मुझे ऐसे पकड़ लिया कस के, बिल्कुल फंस गई मैं उसके अंदर, ना मेरी पिक्चर्स अच्छी आई उसमें, सारा मेरा शादी का लुक खराब हो गया बारात का, मतलब कोई मेरा फेस भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बारात वाले दिन, क्योंकि वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी अपनी शर्ट, इतनी पतली शर्ट। तो मुझे प्लीज़ ये बताएं अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो जाए तो वो क्या करें। ये अच्छा वैसे आपस की बात है, पहले ट्रायल मेरी एक रिश्तेदार, बहुत ही करीबी रिश्तेदार जो है, उसने अपना जो शादी की चोली है वो पता नहीं क्यों इतनी फिटिंग की सिलवा ली, उसको लगता था कि वो जब तक शादी का दिन आएगा वो पतली हो जाएगी लेकिन वो शायद स्ट्रेस और टेंशन की वजह से और स्वेलिंग कर गई उसकी बॉडी। अब मैं उसको ब्यूटिशियन के पास मेकअप करवाने लेके गई थी, चार दफ़ा जैसे उसको चोली पहनाई उसकी जिप बंद की वो ट्रर फट गई, चार दफ़ा मैं दर्जी के पास लेके भागी हूँ, जिप लगवा के आई हूँ, लिटरली मैं उंगलियों पे गिन सकती हूँ चार दफ़ा। और उसके बाद चौथी दफ़ा जब ये चीज़ हुई है तो जो मेकअप आर्टिस्ट थी वो बहुत जहीन थी, वो शोबिस की थी, बहुत नामवर थी, उसने क्या किया, उसने कहा ऐसी की तैसी हमें जिप लगानी नहीं है, उसने क्या किया बड़ी बड़ी पिंस ली, सेफ्टी पिंस, कहने लगी पीछे पूरा दुपट्टे से छुप जाएगा, इतना हैवी दुपट्टा होता है कि आपको उसको पीछे से बंच लगाना पड़ता है कि वो संभल सके। उसने उस चोली को सेफ्टी पिन से लॉक किया और दुपट्टा पीछे ऐसे लगाया और वो दुल्हन कंफर्टेबल भी रही क्योंकि वो फंसे भी नहीं थे कपड़े, और जिप फट, अगर सोचे आप जिप वहां फट जाती स्टेज पे बैठी हुई जब वो बैठती तो क्या उसकी बेचारी की हालत रहती। सही बात है। तो ये तो उस वहाँ ये प्रैक्टिकली मेरे साथ मेरे खानदान में हो चुका है। अब आप लोग कोई मशवरा दे सकते हैं कि अगर ऐसी हो ये इतनी चोरी, तो ये कि आपको ये कभी भी शादी पे ये रिस्क नहीं लेना चाहिए कि आप पार्लर में जाएं और अपनी चोली जो है वो ट्राई करें। हाँ। आप हमेशा चाहे देखिए शादी पता होता है कि इस डेट को होनी है। हाँ। आप अपना पहले वेडिंग वाला ड्रेस जो है आप पहले से देखें। हाँ। जरूर। हाँ। अगर आप रिस्क ले रही हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। हाँ। 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 आप क्या कहेंगे? मैं तो बिल्कुल भी ट्रायल, मैं तो कुछ भी नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी कि ये आपका बहुत बड़ा दिन होता है भाई, इसको तो आपको अपना जोड़ा तो कम से कम आपको ट्राई करना चाहिए, और घर पर और एक दिन पहले नहीं, आपको चार पांच दिन पहले ट्राई करना चाहिए। तो ये तो बस मैं क्या लव्स बोलूं, वैसे भी शादी की जो लड़की है ना स्पेशली जो लड़की है ना उसकी चीजें जो है ना एक वीक पहले उसकी हर चीज रेडी होनी चाहिए ताकि कोई जरा सा भी कोई मिसहैप होने की। और उसका हल मैं आपको बताती हूँ, जो काम करवाते हैं आप जहाँ कपड़े वाले,
उनको आप 15 दिन पहले झूठ वहाँ बोलना पड़ेगा, गलत डेट 15 दिन पहले, 15 दिन पहले की डेट दे कि मेरी शादी है, और एक्टिंग करें आप। मैंने ऐसे किया, 2-4 शादियाँ भी गुजरी हैं, जो जहाँ जहाँ मैंने कपड़े बनवाए हैं अपनी रिश्तेदारों के, मैंने कहा 15 दिन पहले की डेट दी, मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप? आप जब तक क्योस, हमारा हमारी जो कारीगर हैं उनकी मेंटालिटी है, आप जब तक पैनिक नहीं मचाएंगे वो आपको टाइम पे कपड़े नहीं दे। और निधा आपको पता है निशा का वलीमे का जोड़ा HSY का था और वो कराची थी, उन्होंने कहा कि ट्राई के लिए आना पड़ेगा, मैंने कहा नहीं अब लाहौर नहीं आ सकती वो ट्राई के लिए। तो आपका जो मॉडल्स का स्मॉल साइज़ होता है वो नया बन रहा था जोड़ा, मैंने कहा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, उन्होंने कहा ठीक है। जब वापस आए तो मैंने कहा वलीमे से एक दिन पहले वो आ जाएंगे, तो वो फिर ट्राई के लिए, वो इतना थकी हुई थी तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा नहीं तुम रेस्ट करो, फिर मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा वो मुझे ट्रस्ट है वो उसको आ जाएगा, थोड़ा सा पीछे से उसका लो नेक था, वो पहनती नहीं, मैंने कहा बस इसे देख लें बाकी, मैंने कहा देखें अब आप कह रही हैं ट्राई के लिए आना चाहिए, मैंने कहा मैं कह रही हूँ ना आप करते हैं, तो वो माशाल्लाह उसको इतना फिट आया, क्योंकि हमें बहुत अंदाजा हो चुका है ना कि किसी का फिगर कैसा है, उसको क्या साइज आएगा, क्या मैंने काम भी किया बिल्कुल। तो या तो आपको ट्रस्ट हो तो आप ये रिस्क लें, अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर आपको ट्राई करना चाहिए पहले। अच्छा, मेरे साथ क्योंकि मैं लाइव शो करती हूँ रोज कपड़े चेंज करने, तो मेरे साथ ऐसी चीजें बहुत होती हैं, आपके साथ जाहिर है शादी बहुत बड़ा दिन है, लेकिन मेरे साथ ऐसी चीजें बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि उस वक्त ये ना सोचें कि आपका कपड़ा टाइट है तो टाइट पहन के बैठ जाए। बहुत सारे, और मैं अगर होती तो मैं कहती आपको इस सिलाई इधर उधर से खोल लेती, आप सिलाई खोलने के बाद दुपट्टे को ऐसे करती कि वो आपकी सिलाई, क्योंकि मैंने अक्सर ऐसा किया है, मेरे पास डिज़ाइनर्स के टाइट कपड़े आ जाते हैं तो मैं सिलाई खोल लेती हूँ और उसको इस तरह दुपट्टे से छुपा लेती हूँ कि पूरा शो निकल जाता है और दुल्हन को थोड़ी इधर उधर भागना होता है, वो तो बैठ जाती है स्टेज पर शर्ट सवर के और उसके बाद उसकी तस्वीरें खिंच रही होती हैं। सो आपका कंफर्ट लेवल आपके शक्ल पे नज़र आता है, अगर आप फिटेड कपड़े जिसमें आपको सांस नहीं आ रहा और दबोचे कोई बैठा है, आप कब ज़्यादा बैठी हुई नज़र आएंगी, तस्वीरें भी सारी ऐसी आएंगी तो सोचिए। आपकी तस्वीरें, आपका फिगर इतना बुरा लग रहा होता है कि आपकी, जब आपके बच्चे आपकी तस्वीरें देखते हैं और मजाक उड़ाते हैं फिर कितना बुरा लगेगा। वो पूछते हैं कि क्या हुआ था, तो फिर आपको ये किस्सा सुनाना पड़ता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे इस शादी की वर्कशॉप और एक्सपर्ट्स का जवाब आपके लिए मुंतजर। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं शादी की वर्कशॉप और हमारे एक्सपर्ट्स आपको मुख्तलिफ मशवरे दे रहे हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है भाई? फिर उसके पास शादी में एक और दूसरा मसला ये हो गया कि अब वो शादी में अम्मी मेरी टेंशन में, मतलब इधर उधर, इधर भी देख रही हूँ उधर भी देख रही हैं, वो जो उनका लिफाफों वाला बैग था ना जिसमें वो सारे लिफाफे सलामियाँ सबसे जो गिफ्ट वगैरह थे लेके रख रही थी, किसी ने कोई गोल की वो दी है नोज पिन दी है, किसी ने गोल के टॉप दिए हैं, वो भी वो उसी बैग में रख रही थी, सलामियों के लिफाफे भी वो उसी बैग में रख रही थी, और वो उन्होंने कहीं रख के छोड़ दिया और वो कोई उठा के ले गया। अब वो एक टेंशन हो गई हॉल में पूरे कि भाई वो लिफाफों वाला बैग गायब हो गया, लिफाफों वाला बैग गायब हो गया, अब वो ढूंढने में लग गए। तो अगर ऐसा हो जाए तो क्या करें, इसके बारे में भी प्लीज़ कुछ बताएं। इनकी सारी बातें वो है, सीरियस है, मुझसे तो मत पूछना। क्यों, आपके भी कोई गायब हुए? नहीं नहीं, नहीं, अल्लाह ना करे। वैसे इसके ये जो माए खास तौर पे, कोई भी चाहे लड़के की हो लड़की, वो खुद से लेकर अपने पास जो रखती है ये इंतहाई गलत तरीका है, ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि जैसे क्या नाम लेते हैं, मेरी बेटी की शादी थी तो मैंने शगुफ्ता एजाज को, जो मुझे देता रहता था मैं शगुफ्ता को देती थी। दूसरी बेटी की थी तो वो सबाहत बुखारी को, तो मैंने उसको दे दिए थे कि मतलब मुझे कुछ नहीं था, कोई देता था जल्दी से मैं उसको दे देती थी, क्योंकि अपने पास नहीं रखती थी। अब आपको की जिंदगी में भी कोई दोस्त हो या रिलेटिव हो जिन पे आपको पता हो कि जी ये मेरे हैं, तो आप उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। आप खुद कहाँ से बैग उठा के, तो लिफाफे भी संभाल रही हैं, जेवर भी संभाल रही हैं। सही कह रही हैं, आपकी फैमिली में सबसे रिस्पॉन्सिबल वो खातून होती हैं, स्पेशली जिनको घुटनों का प्रॉब्लम होता है, जो चल फिर नहीं सकती, वो एक तरफ टेबल की एक VIP जगह आपने उनको बिठाया हुआ होता है, वो आपके घर की बड़ी भी होती है, आपने उनको दे देना है एक बड़ा सा बैग और
क्योंकि वो तो कहीं मूव ही नहीं कर सकती, तो बस आपने जाना है लिफाफे ये ले डालने इसमें, ये ले डाल, वो आपकी बड़ी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में और कोई, अब सब बच्चे बच्चों की शादी हो गई, सब कुछ हो गया, उनके बच्चे हो गए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं उस शादी में। आपको पता है निधा, इतनी वीडियो वायरल हुई मेरी कि मैं ना आप सब लोगों से ना पकड़ पकड़ के वो इतनी वायरल की उन्होंने, बिल्कुल क्लोज है, मैं इधर भी पकड़ रही, उधर से भी, सब ये लोग खड़े में और मैं पकड़ पकड़ के अपने उसमें रख रही। तो फिर मैं, मेरा भी जाहिर है वो क्लच तो इतना नहीं होता, तो मैंने अक्सा जो मेरे भाई की बेटी है ना, हाँ। बस अपना वो बड़ा थैला एक लेकर आई हुई थी, हाँ। मैं पता है घर से लेकर गई थी एक बड़ा बैग के जिसमें डाला जाए, हाँ। जिपर, हाँ। तो वो बस फिर मैंने उसको पकड़ा दिया और जो लिफाफे होते थे उसे देते थे। ये बहुत जरूरी है कि पहले से आपको ये सारी, देखिए माँ, मैं आपको बताऊं आपकी माओ के ना चारों तबक जो है ना रोशन रहने चाहिए शादी पर, तभी ये इस तरह के मैस नहीं होते, और ये सबको पता है, हाँ। कि ये होना ही होना है भाई। बिल्कुल। तो ये तो सलामिया वलामिया, ये सलामिया सिर्फ उन्हीं, जिनकी सलामिया गई है उनको दुख नहीं, जिन्होंने दी है उनको भी दुख है, दुख है। और फिर और बताऊं, और फिर उन्होंने ये भी कहना है मैंने तो 10,000 दिया था, चाहे 2,000 दिया हो। क्योंकि अक्सर मैंने फैमिलीज में देखा एक डायरी होती है, जो मैंने अपने ससुराल से सीखा कि एक दो दिन बाद जब सलामियां खुलती हैं उस डायरी के आगे लिखा जाता है किसने, क्योंकि आपको दोबारा रिटर्न करना होता है किसी और के बच्चे की शादी होगी तो आपको भी देख रहा है ये हिसाब किताब हमारे यहाँ चलता है। तो मैंने वहाँ से सीखा कि डायरी बनती है बाकायदा, उसमें लिखा जाता है कि इसने क्या दिया, तो आपको भी फिर वापस चीजें। पंजाब में ये ट्रेडिशन है, पहले हुआ करता था कि डायरी वाला एक बंदा रजिस्टर टाइप ना लेके बैठा होता स्टेज के पास, सीरियसली जो सलामी मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, हमारे नेबर्स थे उनकी किसी की शादी थी, तो वो गांव वाले थे सारे, एंड वो आते गए और वो रजिस्टर में ना सारी डिटेल्स लिखते गए। अच्छा मैं, अच्छा निधा हमारा तो ये था कि मैंने अभी शादी से जब फ्री हुए तो मैंने अपनी तो सारी डायरी, अच्छा ये भी मुझे मेरे हस्बैंड कहते रहते, हाँ। लिखना है लिखना है, मैं कहती थी अब शादी होगी, कहते तुम्हारे तीनों बच्चों की होगी, लोगों की तो रहती है ना, लिखना है। खैर मैं लिखती थी तीनों, हाँ। दफ़ा मैंने लिखा, तो मैंने सारा लिखा, फिर मैंने अपनी बहू को कहा कि अपनी सलामियाँ दे दो, वो जो ड्रामे में मैं कहती हूँ ना बहू सलामियाँ तो दे दो, तो मैंने कहा बेटा अपनी सलामियाँ दे दो, उसने मुझे दे दी, उसने भी अरसलान ने भी जो वलीमे पर हुई थी, तो मैंने और मेरी बहन ने रात में बैठकर उनका भी लिखा सारा, और लिख के फिर मैंने उनको सीधे करके नोट लिफाफे में डाल के ऊपर लिख के टोटल ये, और ये डिटेल है क्योंकि बेटा मुझे अपने रिश्तेदारों का पता है, मुझे आपके रिलेटिव्स का नहीं पता, तो ये मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, ये आपके रिश्तेदार हैं जो नाम थे, हाँ। तो आपने अम्मी को बता देना है कि सबने ये सलामी दी। ओके। तो मैंने ये किया, मैंने पैसे वापस किए क्योंकि मैं कहती हूँ सलामियों के पैसे जो लड़का लड़की को मिले हैं ना ये उनके हैं, हाँ। ये उनके हैं, और फिर लेकिन मैंने लिए ज़रूर लिख कर, और मैंने दिया क्योंकि पता होना चाहिए के बाद में आपने लौटाने भी। बिल्कुल बिल्कुल। निधा मैं एक शादी पे, एक मिनिस्टर है हमारे, तो उनके भाई की छोटी की शादी थी तो उस पे मैं गई, तो उन्होंने ना ये नहीं कि मतलब मैं उनको दूं या उनकी अम्मी को दूं या बहन को किसी को ना, उन्होंने गेट के पास एक पूरा टेबल लगाया हुआ था और दो लोग बैठे हुए थे, तो जो भी आपने देना है आप एंटर होते हैं वो उनको देंगे, और वो लिख रहे थे। वो तो वही हुआ ना जो इन्होंने बताया, क्योंकि भाई मिनिस्टर के पास तो बहुत माल आया होगा ना, वो तो लिखना जरूरी था किसने कितने लाख दिए, लेकिन वो इतना अजीब सा लग रहा है कि जाते ही ना पहले उनको लिफाफा दे, वो अजीब सी। अच्छा बाहर वो इसीलिए ना पहले बता देते कि बॉक्स आपके गिफ्ट्स हो या वो हो, तो पूरी पूरी वो बन जाती है, दे हैव अ लिस्ट, दे चूज द आइटम्स जो उनको चाहिए और वो सबके साथ लिस्ट शेयर कर लेते हैं, आप स्कैन करते जाएं और वो चीजें आप ले लें, वो उनको डिलीवर हो जाती है, तो बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। हाँ, ये भी कितना अच्छा है। हाँ जी, इस जरूरत की चीजें आती है, वरना माशाल्लाह हमारे एक जैसे लैंप आ जाते हैं, डिनर सेट आ जाते हैं प्लास्टिक के, मतलब ये वाजेज इतने आ जाते हैं कि घर में क्या वाजेज ही रखते रहे, तीन तीन गज के सूट भी आ जाते हैं। हाय अल्लाह, वो मुझे होता है कि ये जो पहनोनिया और ये सब चीजें होती है ना वो खत्म हो जानी चाहिए, चॉइस सबकी अपनी अपनी है, तो आप कैसे हो सकता है सुनो दुल्हन की अम्मी को जोड़ा भी देना है, मैंने कहा भाई मैं तो नहीं दे रही, वो उसको पसंद नहीं आएगा तो जाया होगा, इससे बेहतर है जोड़े के पैसे दे दो भाई। वैसे एक बात है, तुम्हारा जोड़ा उनको पसंद आएगा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं अपना जोड़ा इतना महंगा नहीं दे सकती, इतना बजट नहीं है मेरा। हाँ भाई नेक्स्ट सवाल जी।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुंदस, ये है मेरे हस्बैंड इरफान। तो हमारी कहानी ऐसे शुरू हुई थी कि ये मुझे पढ़ाने आते थे घर पे मेरे, तो ये मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए एंड मैं भी जो है इनसे मोहब्बत करने लगी। तो इन्होंने अपने घर वालों को मेरे घर भेजा और मेरे घर वाले एग्री हो गए। हमारी शादी में कोई जालिम समाज नहीं आया, बट मुश्किलात बहुत हो गई थी। एंड तक सास का भी इशू हो गया था कि वो नहीं आ सकी, बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। और सोने पे सुहागा, सबसे बड़ा मसला ये हो गया था कि खाना शॉर्ट हो गया था, खाना ही नहीं किसी को मिल सका। तो आज तक इस पे भी बहुत बातें होती हैं कि भाई खाना ही नहीं था इनकी शादी में, तो खाना ही नहीं मिला हमें खाने के लिए। इवन के हम दुल्हन दुल्हा को भी नहीं मिला था खाना आखिरी। आपसे ये सवाल है मेरा कि जब खाना कम हो जाए तो इस सूरत में क्या करना चाहिए, उसको कैसे कवर करना चाहिए? अभी घर तो है नहीं कि मेहमान ज्यादा आ गए तो आलू गोश्त पे पानी मिला दो। तो शादी है, मेरे साथ हो चुका है। हाय अल्लाह। हाँ, मेरी छोटी बेटी की मेहंदी थी तो मैंने कोई मतलब मैंने 800 लोगों का इंतजाम किया हुआ था मेहंदी पे ना, और माशाल्लाह पहुंच गए होंगे 1600, लेकिन आगे 2000। ओह माय गॉड, 2000 लोग आए थे। 2000 लोग आए थे, मतलब हमारे अपने शोबिज के अलावा जो जैसे जहाँ रहते चलो हैं यार, खाना खाने चले शादी नहीं। का हजारा जावेद की बेटी ना, 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 खाना खाने के तो? चक्कर खाना तो फिर वो आते हैं तो खाते हैं ना। एक्चुअली जैसे सबा के बेटे की शादी और वैसे मेरे गजाला जावेद की कि आर्टिस्ट बहुत आएंगे उस चक्कर में। आपने अगर मैंने किसी मतलब जैसे कि दूर के लोग हैं या पड़ोसी हैं मोहल्ले हैं किसी एक को बुलाया ना, तो वो अपने पूरे बता करके गजाला जावेद की बेटी की शादी है, उन्होंने गांव से भी लोग आ गए। जैसे हमारी शादी मेरे साथ भी हुआ था, मेरी और यासिर की शादी हो रही थी तो मेरे अम्मी अब्बू से कहते सुने शादी के चार पासेस मिलेंगे। सो लिटरली क्या शो चल रहा है, चार पासेस मिलेंगे शादी के। ओ फल्ला, इतना मतलब उस टाइम पे सबसे बुरी चीज जो ये है कि जो फालतू में जिनको मैं जानती भी नहीं, देखा भी नहीं है कभी जिंदगी में, वो लोग बैठे खाना खा रहे हैं जिनको मैंने बुलाया खाना। अब मेरे पास मेरा भांजा है नाजिम, वो मेरे पास है, गजाला आंटी खाना थोड़ा रह गया। मैंने कहा क्या मतलब है? कहते हैं आप देख रही हैं दुनिया। तो मैंने कहा अब क्या किया जाए? कहता फिक्र नहीं करें। उसने ना अपने सारे जो भी उसके नौकर ये वो ड्राइवर दो चार दूसरों के भी सबको कहा जितनी देखे हैं जहाँ जहाँ किसी पे सब उठा के ले आओ। तो वो एंड टाइम पे दुनिया गई। मतलब जब सबसे अच्छी बात थी कि जिसको मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई थी ना वो अक्लमंद आदमी था। हाँ। उसने 11:30 देगों वाली शॉप्स खुली हुई थी, आपको यकीन करें एक एक देख पता नहीं सदर से और कहां कहां से जहां पे मतलब थोड़ा सा ज्यादा पैसे देने पड़े। हाँ। लेकिन ये है कि वो देगे बिरयानी की और कोरमे की दो चीजें। हाँ। ये नहीं कि सारे लवाजमात आए। हाँ। दो चीजें लेके आएंगे ताकि जो लोग सुबह तक 6 बजे तक तो डांस चल रहे थे तो जाहिर कुछ तो खाएंगे ना। जाहिर सलमान की शादी पर ऐसा हुआ, सलमान की शादी पर मेहंदी पर मैंने घर में ही की हुई थी, घर में मेरा गैराज बहुत बड़ा है बाहर रोड को भी वो करके तो वहाँ की भी थी। और मैंने बहुत ज़्यादा लोग नहीं बुलाए हुए थे, मैंने कोई मखर में 200 बुलाए हुए थे और 250 शायद। अब मैं देख रही हूँ अंदर से और आ रहे हैं ना, तो मैंने जिन दो को बुलाया था सात लोग बिल्कुल यही था। और मैं देखती थी और शादी आके मेरे कान में कहती थी अम्मा ये भी 7 लोग आए। मैं उन्हें देखती थी, मैं कहती थी सब कुछ नहीं हो सकता, मैं जाके डांस करना शुरू हो जाती थी। कुछ नहीं हो सकता। फिर वो हमारे एक्चुअली फारूक केटर्स वाले हैं लाहौर में, जो हमारे खानदानी हैं, मेरे मामुओं के बच्चों की भी शादियाँ हुई। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा बाजी मैं बताता हूँ लोग ज़्यादा हो गए लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, आप हमें बस 1.5 घंटा दें हम उसको कर लेते हैं। मैंने कहा भाई मैं नहीं ले रही टेंशन, मैं मेहंदी को एंजॉय कर रही हूँ, अब आप देख लीजिएगा कुछ भी। फिर उन्होंने अरेंज किया और जब खाना जब खुला तो वो सारा माशाल्लाह पूरा हो गया, लेकिन 150 लोग ज्यादा आई तो 1100 ज्यादा आ गए। वही नहीं, लेकिन तो बहुत ज्यादा नंबर है। अच्छा पूरा करना अभी क्या हुआ अभी तो मैंने कहीं ये मेंशन ही नहीं किया था कि मैं अपने घर के सामने ग्राउंड है उधर कर रही हूँ। फिर भी मुझसे आते थे ना जो भी मिलते थे, मैं और फैसल हम लोग दोनों रिसेप्शन पर खड़े हुए थे, तो जो भी आता था अस्सलाम वालेकुम, तो मैं कहती थी
अस्सलाम वालेकुम, मैं कहती हूँ फैसी ये कौन, क्योंकि मैं तो अपने मोहल्ले वालों को जानती नहीं हूँ, मैं रहती नहीं हूँ। तो फैसी कहते थे ये कुरैशी साहब को, मैंने कहा कार्ड दिया था, कहते हाँ मैंने कुरैशी साहब को दिया था, मतलब एक नाम ले रही हूँ क्योंकि वही उनको मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मियाँ बीबी का दिया था। तो ये तो फैसी, ये तो पूरी फैमिली आई है। अच्छा जी, फैसी ने अब अपने जो भी दोस्त थे उनको, जिनको और मोहल्ले में से वो लोग आए जिनको मैं बिल्कुल नहीं जानती थी, पहचानती भी बिल्कुल नहीं सेम थी। लेकिन सबको जाहिर है पता था ये सबा फैसल के उधर, और माशाल्लाह आ गए थे लाहौर में भी आर्टिस्ट। तो खैर उधर खाना कम नहीं हुआ, सही रहा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर टेंशन आने नहीं दी। तो मैं वो गई स्टेज पर गई, तो मैं अरसलान और निशा को कहने लगी, मैंने कहा निशा मुझे लग रहा है बेटा कि आज भी खाना कम हो जाएगा, लोग बहुत आ गए। तो कहने लगी मम्मी अल्लाह ताला बहुत बरकत डालेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी, अल्लाह ताला बहुत इज्जत रखेंगे, बहुत बरकत डालेंगे। तो इतनी बरकत थी कि बाद में वो देखचो में घर भी देख रहा था खाना। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इस डाइटिंग करने वाले लोग ज़्यादा आ गए होंगे लगता है। वो मैंने एक ट्राई की, हाँ, तो उन्होंने इतना खूबसूरत अरेंजमेंट किया। तो ये बड़ा इवेंट था, तो मेरे पास एक बहुत बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज़र की भी थी ऑप्शन, लेकिन मैंने फिर कहा कि जब इंगेजमेंट का किया है तो ये भी। तो मेरा घर अंदर से सजाया, फिर इन लोगों का रूम फ्रेश फ्लावर से सजाया, और पूरा यार वो बड़ा अच्छा वीडियो थी यार, है ना। फिर एक नया आइडिया मिला ना, हाँ नया आइडिया कि ये वाला मॉडर्न है, ये स्टाइलिश है। यस यस, नया आइडिया मिला बहुत, और वो यूज़ भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई राबिया जी, आप बताएं भाई इसका सॉल्यूशन क्या है, ये इवेंट ज़ाहिर आप देखती तो इसको, इसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए? सो जब हम आप हमें एक नंबर ऑफ गेस्ट का बताते हैं, से जिस तरह आपने कहा कि 800 गेस्ट थे, तो मैक्सिमम ये होगा उसमें 40-50 लोगों का मार्जिन होता है। हाँ। और ये पहले से बता देते हैं कि इतने गेस्ट अगर हो रहे हैं आपके तो जस्ट लेट अस नो अ डे इन एडवांस ताकि हम उसकी अरेंजमेंट कर लें। लेकिन ये वैसे अनप्रेसिडेंटेड है, इतने ज्यादा और आपको सब शादी है ना, टेंशन हुई होगी सारी चीज उस सब रात के टाइम में अरेंज करने की। आप ऐसे लोग आ जाते हैं जैसे कि आपको पता ही नहीं है कि वो कौन है। अच्छा हम लोग थोड़े बहुत अपने ऐसे भी टैक्टिक्स होते हैं ना कि जैसे आपने अगर स्टार्टर्स है तो पहले आप जरा स्टार्टर्स लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए सर्व कर दें, ओके, वन आफ्टर द अदर, तो वो आप करते रहे तो लोग उससे भी पेट थोड़ा सा भर जाता है। जी, जी, तो आप जो सर्विंग मेथड है ना उसको भी आप थोड़ा सा जरा ट्वीक कर लेना एग्जैक्टली गेस्ट के हिसाब से, क्योंकि आप देख रहे होते हैं ऑन ग्राउंड, जैसे हम भी प्रेजेंट एट द वेन्यू, तो हम ये देख रहे होते हैं कि अच्छा हाँ लोग इस वक्त ज्यादा हो गए हैं। और एक हम ये भी जहन में रखते हैं एज ग्रुप कौन सा है ज्यादा, यू नो जो थोड़े से जरा एल्डरली होते हैं उनका ईटिंग पैटर्न फर्क है, उनकी कंजम्पशन फ़र्क है, यंगर क्राउड की फ़र्क है। तो ये कुछ चीज़ें हम जहन में रख के उस वक्त उस हिसाब से इस चीज़ को एडजस्ट कर लेते हैं। बट आई थिंक इसका सबसे सेफेस्ट बेट जो है वो ये है कि एक दिन पहले आप एक रफ एस्टिमेट जो है वो अपने प्लानर के साथ या अपने केटर के साथ शेयर कर लें, ताकि हमारे पास उतना मार्जिन हो उस टाइम में कि हम वही चीज़ जो है वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर सकें। मेरे साथ रिस्क होता है, रिस्क है बिल्कुल, मैं होता है कभी कभार आपकी शादी पे पूरे लोग आ नहीं पाते या वायरल फैला होता है, बीमार होते हैं, ये होते हैं, तो आपने अगर खाना जो बनाया तो कभी कभार वो ज़ाया भी हो जाता है। और कभी कभार ये भी होता है कि ज्यादा लोग आ गए, exactly. खैर जितना गजाला जी की बच्चों की शादी पे आए 2000 और 800 में तो बहुत फर्क है, एक आम घर की शादी में इतना डिफरेंस नहीं आ सकता, ये तो शोबिज की शादी ना, तो एक्टर्स को मिलने के आपको आइडिया होता है। मेरे वलीमे में क्या हुआ, हाँ, कि हमारे एक डिजाइनर हैं तो उसने मुझे मुबारक दी, तो मैंने बुलाना नहीं था, जाहिर है आप आपकी सबसे सलाम दुआ होती है लेकिन आप नहीं बुला सकते, बुला सकते सबके अपने, तो मैंने कहा कि कहते आपने मुझे, मैंने आपके बहू के लिए केक लेकर आना है, मैंने कहा केक का अरेंज तो हो गया है, नहीं मैंने तो ऑर्डर कर दिया, मैंने कहा नहीं केक का अरेंज हो गया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मुबारक देने का, तो मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अब वो आए, अब मैं देख रही हूँ आ रहे हैं, वो आए, उनकी अम्मी आई, उनके बहनोई आए, उनकी बहन आई, उनका भाई आया, उनकी भाभी आई, उनके दो बच्चे आए, और लिटरली मैं सच्ची बता रही हूँ मैंने उनसे सलाम के अलावा कोई बात नहीं की, क्योंकि मुझे ये इतनी जहालत लगी कि यार आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको भी इनवाइट नहीं किया, आप अपनी पूरी फैमिली को लेकर आते हैं, करते हैं तो ये होता है।
तो हम सेलिब्रिटीज़ की जब शादी होती है हमारा भी एक मेन्यू होता है, हमारा भी एक बजट होता है, हमारी इज्जत होती है। सबसे तो बड़ी बात है कि स्पेस होती है, स्पेस कि होती आप है। जब किसी कोई भी चीज़ अरेंज करते हैं तो सबसे पहले तो आप जगह देखते हैं ना कि इस जगह पे इतने लोग आ सकते हैं। अब आप सोचें कि अगर 800 लोगों की जगह पे 2000 तो उनके तो सांस भी बंद हो रहे थे, मर रहे थे हम लोग उस वक्त। लेकिन एक और बात मैं ज़रूर कि क्योंकि अगर जो ज़रा फैमिली हाई फाई फैमिली या कुछ इस टाइप की फैमिली है कि जिनके PR बहुत ज़्यादा है तो आपका प्रोटोकॉल बहुत आता है, तो इसलिए आप उनके लिए देखे अलहदा बनवा लें। और मैं ये तो मैं इस प्रोग्राम के तवसुत से आप सबसे कहूँगी कि आपने जितने गेस्ट इनवाइट किए हैं ना उस हिसाब से 25-30-50 आप ज़्यादा रखें, क्योंकि ड्राइवर होते हैं सब, तो ड्राइवरों को कोई काउंट ही नहीं कर रहा होता। नहीं, 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 आज कल लंच बॉक्स बनाने शुरू कर दिए में केयरफुल, जैसा हमें सेपरेटली कहते हैं हाँ। तो उनका प्रॉपर वो लगता है, वी हैव अ सेपरेट बुफे फॉर द ड्राइवर्स एंड द हाउस ड्राइवर्स, और फिर जो बच्चों के साथ उनमें मेड्स होती हैं तो इनको हम लोग काउंट नहीं करते, तो इनको भी एक अच्छा खासा नंबर हो जाता। और फिर बच्चों को काउंट नहीं करते, तो बच्चे तो 5 साल से ऊपर का बच्चा तो जाया भी बहुत करता है, तो मैं तो उसको भी एक फर्द काउंट करती हूँ। मैं तो इन चीज़ों में बहुत केयरफुल। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं हो सकता। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों की इस गुफ्तगू से। यकीन जाने लोगों को जितनी हेल्प मिली होगी ना, सो ढेरों दुआएं आज आप समेट के जा रहे हैं, और अल्लाह में आप लोगों को खुशियाँ दे। आपका शुक्रिया कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आपने एक वर्कशॉप तैयार की पब्लिक के लिए, और यहाँ पर भी आज 2.5 घंटे हमने आपको फ़ायदा पहुँचाया। उम्मीद है 2.5 घंटे हो गए, हाँ पता अभी 2 घंटे तो हो ही गए, एक सेगमेंट रह गया बस मेरा। सो थैंक यू, बहुत शुक्रिया, खुश रहें आप लोग, और आप लोग भी खुश रहें, आपकी भी इवेंट्स जो हैं बहुत स्मूथली गुजर जाएंगे। ख़ास तौर पे जो घर में बड़े होते हैं जिन्होंने सारे इवेंट्स अरेंज किए होते हैं उनके लिए इतनी ब्लेसिंग होती है कि उनकी घर की शादी सुकून से गुजर गई। क्यों क्यों है ना, छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं शादी की वर्कशॉप, लेकिन ये इस वक्त जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ये हमारी ज़िंदगी से कनेक्टेड है बिल्कुल, और ये चीज़ें ज़रूरी हो गई हैं आज के दौर के लिए। मैं इस वक्त आपकी मुलाकात करवा रही हूँ एस्थोडर्म एस्थेटोडर्म क्लिनिक से, हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर अहमद अली फुरकान जो कि कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, अमेरिकन एकेडमी बोर्ड सर्टिफाइड स्टेटिशियन फिजिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ मौजूद हैं तहसीन तस्तीम टीटी वेटरन मेकअप आर्टिस्ट, 20 साल का एक्सपीरियंस रखती हैं मीडिया इंडस्ट्री में काम करने का, और कई प्रोजेक्ट्स भी कर चुकी हैं एज एन एक्ट्रेस एंड फैशन डिज़ाइनर के तौर पर भी। आज हम पूछेंगे कि इनकी क्लिनिक पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले तो वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच। दोबारा से अपनी क्लिनिक का एक नाम जरा मैं अटक रही हूँ बोलते हुए। सो इट्स बेसिकली एस्थेटोडर्म बाय डॉक्टर एस्थेटोडर्म, ठीक है, इट्स अ कंप्लीट नेम। और ये किधर है? इट्स क्लिफ्टन ब्लॉक 2। अच्छा, क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में, बिल्कुल आ खान की बैक साइड पे, आ खान हॉस्पिटल की बैक साइड पे। तो और कितना अर्से से ये क्लिनिक है? ये क्लिनिक जो लोकेशन है ये न्यू लोकेशन है, 3 महीने हुए इसको। अच्छा, वैसे 1 साल से है। 1 साल से। और आप लोग दोनों मिलकर होते हैं इस क्लिनिक पर? जी, जो मेडिकल एस्थेटिक्स है उसको मैं डील कर रहा होता हूँ, ऑल द क्लिनिकल प्रोसीजर्स। उसके साथ साथ हमारे पास वहाँ पे वार्डरोब और मेकअप स्टूडियो भी है। अच्छा, अंडर वन रूफ। हाँ, सो जो वार्डरोब और मेकअप है वो ये देख रही होती है। ओके ओके, ज्वेलरी मेकअप वो सब यही इसी यहीं पे अंडर वन रूफ। सो बेसिकली इट्स अ एस्थेटिक स्टूडियो इन विच आपको वार्डरोब का भी मसला नहीं है, आपको ज्वेलरी का भी इशू नहीं है, मेकअप एंड ऑल एस्थेटिक प्रोसेस। फॉर एग्जांपल किसी की शादी होने वाली है, ब्राइड्स है, ग्रूम है, दे वांट टू कम, तो उनके लिए हमारा जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं अंडर वन रूफ। ना उनको वार्डरोब का मसला होता है, ना मेकअप का इशू होता है, ना स्किन का, किसी चीज का भी नहीं। ओके ओके, सो अब क्या क्या फैसिलिटीज, क्या क्या ऐसी चीजें हैं, प्रोसीजर्स हैं जो अवेलेबल हैं आपकी क्लिनिक पर? सो बेसिकली हमारे पास जो क्लिनिक पे प्रोसीजर्स होते हैं वो नॉन इन्वेजिव,
मिनिमली इन्वेजिव और इन्वेजिव होते हैं. नॉन इन्वेजिव हमारे पास मेडिकल ग्रेड फेशियल्स आ जाते हैं, लेज़र थेरेपीज हैं, लेज़र हेयर रिमूवल हो गया आपका, एंटी एजिंग लेज़र्स हैं, हाइफो हो गया, क्यूसिस लेज़र, पीको, उसके बाद फिर मिनिमल इन्वेजिव हमारे पास पीआरपीज हो गई, बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड्स, इन्वेजिव हमारे पास हेयर ट्रांसप्लांट, लाइपोसक्शन, ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं अंडर वन रूफ. सैलून फेशियल्स और क्लिनिकल फेशियल्स में क्या फ़र्क होता है? बहुत फ़र्क है. सो बेसिकली जो सैलॉन फेशियल्स होते हैं वहाँ पे जो थेरेपिस्ट होते हैं दे आर नॉट क्वालिफाइड. उनको सिर्फ एक सर्टेन टाइप का मसाज का पता होता है, एक ही कंपनी की क्रीम्स होती हैं. हाँ. उन्होंने हर फेस के ऊपर उसी स्टेप से मतलब फेशियल करना जिसको होता है. तो अलग अलग जरूरत है वो नहीं पता, उन्होंने एक ही रट्टाफिकेशन मारी होती है टक 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 लाइन से. एग्जैक्टली. तो जो मेडिकल ग्रेड फेशियल होते हैं वो आपकी स्किन के पीएच लेवल को जानते होते हैं, आपकी स्किन टाइप्स को जानते हैं. तो हमारे यहाँ क्वालिफाइड थेरेपिस्ट होते हैं जो आपकी स्किन नीड के मुताबिक आपके केमिकल चूज करते हैं, सीरम्स चूज करते हैं और आपको एक सर्टन सेलुलर लेवल पे जाके फेशियल के थ्रू भी ट्रीट करते हैं. सो ये डिफरेंस होता है. हमारे जो सैलून फेशियल्स में जो मेजर इशू होता है दैट इज मर्करी बहुत यूज होता है, ब्लीच होता है, पॉलिश होता है, वो एक ही चीज़ है. जो भी आता है उसकी स्किन पे आप वो लगा देते हो और वो आपकी स्किन बैरियर्स को डिस्ट्रॉय करता है. अच्छा, आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ ना आईवी ट्रीटमेंट्स. आईवी ट्रीटमेंट से क्या मुराद है? सो बेसिकली ये एक नया एक इनोवेशन है कि आपके जितने भी कंसर्न्स है उसको आप आईवी के जरिए लाइक आप ड्रिप के जरिए उसको ट्रीट करते हो. हमारे मतलब एक जमाना होता था ड्रिप सिर्फ चढ़ती थी जब आप बीमार होते हो, डायरिया हो गया है तो आप ड्रिप लगवा रहे हैं. एग्जैक्टली. ऐसी चीजें ताकत के लिए ग्लूकोज की ड्रिप लग रही है. बिल्कुल. ये क्या चीज है? तो बेसिकली आईवी थेरेपीज के थ्रू हमारे पास डिफरेंट कंसर्न्स की डिफरेंट कॉकटेल्स हैं. हम कुछ इंग्रेडिएंट्स का कॉकटेल बनाते हैं, उसको आपके आईवी के थ्रू इन्फ्यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल आपको मेलाज्मा है पिगमेंट, हमारे पास एंटी मेलाज्मा ड्रिप भी है. अगर आपकी एक्नी है तो अलग अलग विटामिंस को कॉकटेल बना के डिफरेंट कंसल्ट के. फॉर एग्जांपल इफ यू स्किन ब्राइटनिंग की तरफ जाना है तो उसके लिए हमारे डिफरेंट यू नो रेसिपी या इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम यूज करते हैं आपकी आईवी इन्फ्यूजन के लिए. अब तो हेयर फॉल के लिए, वेट लॉस के लिए, आपके एंटी एजिंग, रिंकल्स के लिए, फाइन लाइंस, पिगमेंटेशन, इन सब को हम ट्रीट करते हैं थ्रू आईवी थेरेपी. और इसके साथ साथ अगर आपके फॉर एग्जांपल जॉइंट पेन है, आपको बॉडी एक रहता है, लेथार्जिक फील करते हो, तो उसके लिए भी हमारे पास इन्फ्यूजन मौजूद है. अच्छा, क्या एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स के कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? या डेफिनेटली ऐसा तो नहीं है कि इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, बट साइड इफेक्ट्स वहाँ होते हैं अगर आप क्वैक्स के पास जाते हो. हाँ. आपने देखा होगा कराची में क्या पाकिस्तान में बहुत सारी क्लिनिक ऐसी हैं जो दे आर नॉट इवन सर्टिफाइड. उनको पता नहीं है कि आप वो जो लेज़र्स हैं फॉर एग्जांपल उसकी वेवलेंथ क्या है, वो किस यू नो डेप्थ तक जाके काम करेगी, उसकी हमें सेफ्टी मेजर्स क्या है. अगर पता ही नहीं होगा तो वो एक डॉक्टर ही जान सकता है या क्वालिफाइड एस्थेटिशियन को पता होती है चीज़ें. तो डेफिनेटली अगर आप क्वैक्स के पास जाएंगे, वहाँ से ट्रीटमेंट्स कराएंगे, तो आप साइड इफेक्ट्स भी लेंगे. अगर आपका डॉक्टर सर्टिफाइड है, ऑथेंटिक डॉक्टर है, क्वैक नहीं है, तो एस्थेटिक प्रोसीजर्स की जो कॉम्प्लिकेशन और साइड इफेक्ट होती है वो ना होने के बराबर होती है. अच्छा, ये एक बात बताएं, क्या वैक्सिंग या शेविंग से ज़्यादा ये जो लेज़र आजकल आ गई, हेयर रिमूविंग लेज़र, ये ज़्यादा इफेक्टिव है? डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू यू नो कॉस्ट की बात आ जाए या आपके टाइम सेविंग की बात आ जाए तो लेज़र इज़ मच मच वे बेटर देन वैक्सिंग एंड शेविंग. बिकॉज आप वैक्सिंग में एक तो पेन होता है. हाँ. आपको एवरी मंथ कराना है. हाँ. ठीक है, इसके साथ शेविंग अगर आप कराते हो आपको कट्स लग सकते हैं, आपको जो सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है शेविंग की दैट इज स्ट्रॉबेरी स्किन, टेक्सचर्ड स्किन, यू नो आप इनग्रोन हेयर्स होते हैं बहुत ज्यादा, वो नहीं exactly, स्मूथनेस नहीं आती. तो लेजर से इन चीज़ों का कोई मसला ही नहीं होता. लेजर आपको एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए कराना होता है जिससे आपके बाल जो होते हैं खत्म हो जाते हैं और आपको ना वैक्सिंग ना आपको शेविंग की जरूरत पड़ती है और स्मूथ स्किन होती है, पिगमेंटेशन भी आपकी चली जाती है. अगर स्ट्रॉबेरी स्किन है वो भी काफी हद तक ठीक हो जाती है और इनग्रोन हेयर का भी प्रॉब्लम नहीं होता. अच्छा, एंटी एजिंग स्किन की ट्रीटमेंट्स के बारे में कुछ बताएं. अच्छा, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स की जहाँ तक बात की जाए तो हमारे पास अगर हम एनर्जी डिवाइसेस की बात करें, सो वी डू हैव हाइफो, आरएफ माइक्रो नीडलिंग
और इसके साथ अल्ट्रासोनिक थेरेपीज, ये आपके मतलब इस पर कोई इंजेक्शन, कोई पेन, कोई डाउन टाइम नहीं होता, ये आपकी कॉलेजन को बूस्ट अप करते हैं थ्रू एनर्जी वेवलेंथ्स। ओके, तो एक बिल्कुल सेफ होता है एंड रिजल्ट इंस्टेंट होता है जो लास्ट भी करता है काफ़ी अरसे तक। उसके अलावा फिर हमारे पास रिहाइड्रेशन इंजेक्शंस हैं, ये बायोस्टिमुलेंट्स इंजेक्शंस होते हैं जो हम एज अ एंटी एजिंग यूज़ करते हैं। इट्स नॉट बोटॉक्स, नॉट फिलर्स, इट्स जस्ट अ रिहाइड्रेशन इंजेक्शन जो हम इंजेक्ट करते हैं और आपकी स्किन में कॉलेजन स्टिमुलेशन होती है। अच्छा, द थिंग इज हम एंटी एजिंग की जहाँ बात करते हैं जो हमारा मेन फोकस होता है वो होता है कॉलेजन को स्टिमुलेट करना। यू नो, जब आप औरतें खासतौर पर जब 25 साल से ऊपर जाती हैं तो एवरी ईयर उनका 1% कॉलेजन कम होता जाता है। तो हमारा मेन फोकस क्या होता है कि कॉलेजन को स्टिमुलेट करना, इलास्टिन इंक्रीज करना ताकि आपकी स्किन प्लम्पी लगे, रिंकल्स ना हो, सैग ना हो। उसके साथ फिर हमारे पास बोटॉक्स फिलर्स और थ्रेड्स हैं, सब जानते हैं एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल रिंकल्स हैं तो उसके लिए हम बोटॉक्स यूज करते हैं टू फ्रीज दैट रिंकल्स। अगर आपके फोल्ड्स हैं, आपको यू नो मैरिनेट लाइन है, स्माइल लाइन्स हैं, तो उसके लिए फिर हम यूज करते हैं फिलर्स। और अगर आपकी बहुत ज्यादा सैगी स्किन है तो उसके लिए हम फिर थ्रेड्स करते हैं, थ्रेड लेस। ठीक है, अच्छा कुछ स्किन केयर की टिप्स दें जो लाइक सर्दी के मौसम में कुछ हाइड्रेशन की, कुछ अच्छी स्किन रखने की। ड्राइनेस इतनी हो गई है, स्किन जो है वो ऐसे खिचड़ी होती है। एग्जैक्टली, अच्छा सर्दियों में हमें सिर्फ एक जो हम सबसे ज्यादा बड़ी मिस्टेक करते हैं वो होता है गर्म पानी। हम गर्म पानी से नहाते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। बिकॉज जब हम गर्म पानी से नहाते हैं तो आपकी जो लिपिड लेयर होती है स्किन की, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो उतर जाती है। और सर में भी इतनी खारिश होती है, हम गर्म पानी से नहाते, ड्राइनेस बढ़ जाती है, क्या हो गया। एग्जैक्टली, ड्राइनेस आपकी ज्यादा हो जाती है और आपकी प्रोटेक्टिव लेयर भी डिस्ट्रॉय होती है। तो जो पहली टिप है, आपने ल्यूक वार्म वाटर यूज करना है, ना कि आपने बट फॉर स्किन एंड हेयर डेफिनेटली यू हैव टू बी, ऐसे नहीं कर सकते कि पूरा गर्म पानी से नहा ले, आखिरी जो है वो शावर ठंडे पानी से, ठंडे पानी से मुंह भी धोएं, आप देखें बहुत अच्छी स्किन। एग्जैक्टली, और उसके साथ साथ यू नो आपकी जो मेन को मतलब मॉइस्चराइज आपको बहुत करना होता है स्किन को। तो मॉइस्चराइजिंग के लिए मेरे हिसाब से हाइलुरोनिक एसिड से ज्यादा बेहतर इंग्रेडिएंट कोई है नहीं स्किन का। तो आप अपने स्किन में एक हाइलुरोनिक एसिड को इंक्लूड करें, आपने ल्यूकवार्म वाटर यूज करना है और आपने अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना है इन विंटर्स। बिकॉज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जब ड्राइनेस होती है, फ्लेकी स्किन होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता डेड स्किन आपकी स्किन पे जमा होती रहती है। यही सर में भी ऐसे ही होता है। तो जब तक आप एक्सफोलिएट नहीं करते हो तब तक आपकी स्किन खराब रहती है, ब्रेकआउट ज्यादा होते हैं। लोगों को लगता है कि ऑयली स्किन पे ब्रेकआउट ज्यादा होते हैं बट ड्राई स्किन पे ब्रेकआउट ज्यादा होते हैं। बिकॉज आपके जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो चुके होते हैं, आपकी स्किन एक्सफोलिएट नहीं होती, तो आपकी जो यू नो ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स भी ज्यादा होते हैं। अच्छा, मुझे अब मेकअप के बारे में बताएं ना कि मेकअप स्टूडियो भी है उधर, तो आप लोग ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, किस तरह के मेकअप हो रहे होते हैं? हम सारे मेकअप करते हैं, ब्राइडल मेकअप भी करते हैं, पार्टी मेकअप भी करते हैं, इवनिंग मेकअप भी करते हैं, सब करते हैं हमारे पास। आप वैसे आ जाए, हेयर डू ना हो आपके पास, हम सारा सब कुछ आपको करके है ना। बेसिकली वेट कर रहे हैं डॉक्टर से मिलने का, वेट कर रहे हैं, टाइम बहुत है, क्या करें, रश बहुत है। तो चले जी सलोन जा रहे हैं, पेडिक्योर करा लेती हूं, जब तक मैनीक्योर करा लेती हूं टाइम भी बच जाएगा और हर चीज अंडर वन रूफ है। बिल्कुल। सो एक दफा फिर हम आपको बताते चले कि स्टेटोडर्म, सही है, सही बोला आपने, स्टेटोडर्म बाय डॉक्टर फुरकान, जो है वो जो क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में, बैक साइड ऑफ आलखान हॉस्पिटल, और ये अभी सिर्फ कराची में, अभी सिर्फ कराची। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है छोटी सी वर्कशॉप से आपके बड़े बड़े मसले हल हो सके। तो दुआ में याद रखिएगा, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।